हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एक बार वैसे फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड आफ्टरनून। सुश्री क्या कहना चाह रही है? अरे सेलेक्टिविटी हर एक में ही से होती है। यहाँ कीटो आपके पास जो यहाँ सिंपली कीटोन होगा, एक ही हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो सेलेक्टिविटी होती है कि दो फंक्शनल ग्रुप में से एक को रिड्यूस करना, ठीक है, वो सेलेक्टिविटी होती है, वो कीमो सेलेक्टिविटी कहते हो। हमें यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी ही देखनी है, ठीक है सुश्री। हो गई क्लास स्टार्ट भाई। नहीं ऐसा नहीं है सुश्री, ठीक है, वन ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं है। वन ग्रुप को जहां सेलेक्टिविटी होती है वो मैं बता देता हूँ, यहां तक सेलेक्टिविटी है यहाँ, ठीक है। अरे शशिकांता, ये जो जिंक बोरोहाइड्राइड है ये आपकी एक एक कार्बोनिल को रिड्यूस क्यों करता है? ये सिलेक्टिविटी क्यों करता है? यही तो रोल है भाई रिएजेंट का, यही तो रोल है। अगर तुमसे वो प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट लिख के देगा, चार ऑप्शन देगा, क्योंकि रिएजेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप एक काम करना है कि पहले ऑप्शन से चेक कर लेना है। आपको ऑलवेज से दो से तीन ऑप्शन अपने आप देखते ही कट जाएंगे, उसमें एक दो ऑप्शन नहीं बचता है, कभी दो बचते हैं, कभी एक बचता है, एक बचता है तो उसी पर टिक कर देना है। क्वेश्चन जो रिएजेंट के होते हैं निकाल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ऑप्शन देख लेना है, वो मोस्टली बार जब भी जिंक बोरोहाइड्राइड लेके आएगा तो सिलेक्टिविटी की बात करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है अगर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक को रिड्यूस कर देना है वहां पर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है शशिकांता। अरे कीमो सिलेक्टिविटी ये थोड़ी ना सभी को रिड्यूस रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, सभी को रिड्यूस थोड़ी नहीं कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सभी को रिड्यूस कहाँ कर रहा है बताओ? जो लिथियम AlHOET का होल थ्राइस है, ये सभी कंपाउंड्स को कहाँ रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अरे कीटोन में ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है भाई, ये इतना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है कि इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। साउंड कम आ रहा है क्या? वॉइस कम है क्या? मतलब फटाफट बताओ भाई। अरे इतने सारे मैसेज भेज रहे हो भाई, फटाने कब दोगे फिर तुम लोग? अरे जो मैकेनिज्म करवा तो रखा है अरसा, वो एक बार वापस देख लो मैकेनिज्म, बार बार वही थोड़ी करवाते रहेंगे। वही फर्स्ट लेक्चर में बता करवाए हुए मैकेनिज्म, ठीक है, वो मैकेनिज्म देख लो भाई, ठीक है सर, ठीक है। नहीं ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करता है टर्मिनल एल्काइन, NaBH4 डालोगे तो वो लेस रिएक्टिव होता है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन लेता ही नहीं है। इसीलिए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इथेनॉल, मोस्टली बार इथेनॉल यूज किया जाता है। इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन भी होता है और NaBH4 होता है, ये कभी भी इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है ओनली फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी का मैंने जो करवाया वही करना है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा है तो जो जैसे काउंट कर रहा है, जितने बताए कि इतने हाइड्राइड यूज होते हैं तो इतने ही काउंट करने हैं, ठीक है, मन मर्जी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी साथ। हाँ सुनीति, ये सार आज खत्म हो गया है, ठीक है, को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो जितने भी बचे हुए वो लगा लेना है, ठीक है,
क्योंकि कम ही टाइम होता है उसमें, टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस वो नहीं करवा पाते हैं, ठीक है? तो तुम खुद लगा लेना वो। कोई नहीं, अभिषेक बाय इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर देंगे, वैसे करवा रखी है बाय इनऑर्गेनिक, ठीक है? कर देंगे स्टार्ट, ठीक है? नहीं पढ़ी है तो अरे निकाल ले पारा से, वो OH का प्रोपोजलिक एसिडिक हाइड्रोजन का निकाल ले, बाद में हाइड्रोलाइसिस करेगा तो वापिस एच प्लस ले लेगा, वापिस OH बन जाएगा, निकाल लेगा, ठीक है? ऐसा नहीं नहीं निकालेगा, ठीक है? आगे बढ़ते, वैसे शुरुआत करते, देखो अब, ठीक है? पारस निकाल लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेगा, निकाल लेगा तो बाद में जब हाइड्रोलाइसिस करेगा तो वापिस ही वो वापिस प्रोटोन एच प्लस दे देगा और OH में वापिस कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपर्जलिक एल्कोहल के अंदर, ठीक है? तो हम कहाँ थे पिछली क्लास में, हम बात कर रहे थे NaBH4 NaBH3CN की, ठीक है? NaBH3CN की बात कर रहे थे भाई। अब देखो NaBH3CN की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा था ये हाईली कीमोसेलेक्टिव होता है, कुछ स्पेसिफिक कार्बोनिल कंपाउंड को ही रिड्यूस करता है ये। दूसरा मैंने कहा था ये क्या होता है भाई, यहां इसकी रिएक्टिविटी जो होती है न्यूक्लियोफिल्स की होती है वो कम हो जाती है साइनाइड के माइनस आई की वजह से, ठीक है? ये पार्शली रिडक्शन से करता है, ठीक है? अब देखो यहां कहां तक कौन कहां तक रिड्यूस होता है, मैंने ये भी बात की थी पीएच डिपेंडेंट होता है, और पीएच डिपेंडेंट होगा तो इमीनियम जो आयन हो गया या आपके पास एसाइल क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, आगे एस्टर हो गया और एसिड हो गया, फिर एमाइड हो गया, इस टाइप से बताओ होगा। ये एमाइड हो गया, और यहां अगर NaBH3CN डाल दिया जाता है, पीएच इज इक्वल्स टू कितने पे, यहां ले मैंने कहा था 3 से 4 देगा, 3 to 4 के बीच में दे रखा होगा, लेस देन 5 रख लेना आप, ठीक है? तो कहां तक अगर पीएच लेस देन 5 होती है तो कीटोन तक रिड्यूस करता है, उससे आगे रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है? और अगर इसकी इसी की पीएच जो होगी वो क्या दे रखी है 6 to 8, या मैं ये कहूं ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करेगा, यहां तक एसाइल क्लोराइड तक रिड्यूस करेगा, आगे रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है? आगे रिडक्शन नहीं करेगा, तो ये इसकी कीमो सिलेक्टिविटी शो करेगा। अब देखो इसके ऊपर आप कहोगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने कहा था चांद सितारे जितने भी लगाने लगा सकते हो आप, ठीक है? इंपोर्टेंट कैसे है, अभी तक हम बात करते हैं इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की, इस कंपाउंड की जो इमीनियम आयन है इसकी बात ही नहीं कर रहे थे हम, यहां ये इस कंपाउंड की बात नहीं कर रहे थे, अब इसी कंपाउंड के लिए ये बना है NaBH3CN, कौन से के लिए, इमीनियम आयन के लिए। जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये इमीनियम आयन ही की बात करता है, कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस किस टाइप के आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहला आपके पास जब भी क्वेश्चंस आएगा उससे पहले आपको समझना होगा कि जो इमीनियम आयन है वो कभी भी बना बनाया नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है, और जब आप बनाओगे पहले बनाओगे तब आपको ये रिएजेंट यूज करवाएगा। मतलब सबसे पहला काम आपके साथ क्या होगा, ये इमीनियम जो आयन है इसका पहले फॉर्मेशन करवाएगा, इसका सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर्मेशन। कभी भी आपको एग्जामिनर बना बनाया इमीनियम आयन नहीं देगा कि भाई बनाया और यहां NaBH3CN डाल दिया, ऐसा नहीं करेगा, हमेशा पहले फॉर्म करवाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि कैसे फॉर्मेशन करे सर, कैसे एग्जामिनर कहां से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा कहां से, आपका कीटोन से, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी, कीटोन से, आपको एक कीटोन दे देगा या एल्डिहाइड दे देगा और उसमें सेकेंडरी एमीन डाल देगा, क्या डाल देगा भाई, जैसे यहां सेकेंडरी एमीन डाल दिया R2NH, ठीक है? इन एसिडिक मीडियम, थोड़ी सी एसिडिक मीडियम भी रख लेगा। तो मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन से इस टाइप का स्टार्ट करेगा तो हमेशा कहां से स्टार्ट करेगा, कीटोन से, और कीटोन से स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर सेकेंडरी एमीन डाल देगा। आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है जो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो यहां से सबसे पहले प्रोटोन को भी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो बन क्या जाएगा बताओ भाई, यहां से डबल बॉन्ड OH, अगर यहां प्रोटोनेट होता है थोड़ी सी इलेक्ट्रोफिल्स की इंक्रीज होती है, तो यहां से इसका जो NET3NR2H है
ये बताओ क्या करेगा, यहाँ से इसका लोन पेयर यहाँ कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा। बताओ, बोलो भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिंपल, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोफाइल ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर अटैक कर देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, रिएजेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे नेट के लिए हो चाहे गेट के लिए हो, आप जब देखोगे तो उसमें सबसे पहली जो आपको अप्रोच करनी है वो ऑप्शन से करना है, कोशिश करना है ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हर एक की मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप क्या करना है, हमेशा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते हो आप, और आप क्या करते हो मैकेनिज्म बनाने लग जाते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। पर ये ऑप्शन देख के आंसर करेक्ट करना, आपको एक कॉन्फिडेंस होना कि हाँ यही आंसर है, टिक कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो सिंपल, यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये आपका OH और यहाँ क्या बन जाएगा, बोलो भाई, यहाँ H और R और ये R पॉजिटिव, ठीक है, ये R पॉजिटिव। अब क्या होगा, देखो यहाँ नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना लिया, आपको पता है अगर नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना लेता है तो वहां से हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बताओ क्या बन जाएगा। और वैसे भी एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम से भी H+ ले सकता है, तो यहां से बताओ क्या बन जाएगा भाई, बताओ तुम लोग बताओ फटाफट कमेंट करो। यहां से OH2 पॉजिटिव बन जाएगा भाई, यहां क्या बन जाएगा, N R और R, यही तो बन जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि लिविंग ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपको पता है कि लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो निकलने के बाद न्यूट्रल हो जाए वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही माना जाता है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से इसका जो लोन पेयर होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां से OH2 को बाहर कर देगा, वाटर एज ए गुड लिविंग ग्रुप होगा, तो यहां से वाटर बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो याद करो 11th 12th की कुछ बातें, आपको जब केमिस्ट्री पढ़ते थे आपको, तो जब भी आपके पास अमोनिया आता था, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते थे, तो देखो इस टाइप से आपको रिएक्शंस करवाते थे वहां 11th 12th के टीचर्स, आपको कहते थे कि यहां से ये NH, ये H2 और यहां से वाटर निकाल दिया करो, ऐसे तो कहते थे, याद करो, तो यहां से वाटर निकाल के क्या बना देते थे आप लोग, NH, यही तो करते थे 11 12th के अंदर या, तो ये मैकेनिज्म नहीं बताते थे, वो डायरेक्ट कर देते थे, आपको कहते थे वाटर निकाल दिया करो, तो ये वाटर ही तो निकल रहा है, यहां से भी वाटर निकल रहा है, तो आपको यहां हर एक में ये मैकेनिज्म बनाने बैठना नहीं है भाई। रिएजेंट के अंदर मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको रिएजेंट का उसका रोल याद रखना है। पर यह भी नहीं करना है कि हम मैकेनिज्म ही छोड़ दें, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत सारे रिएजेंट्स हो जाएंगे और उनको याद रखना इतना इजी नहीं होगा, उनका स्पेसिफिक रोल को, तो वो एक ही चीज याद रखवाएगी, वो होगी इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ये नहीं छोड़ देना है, याद जरूर रखना है, समझ रखना है, ठीक है, पर वो मैकेनिज्म एग्जाम में कोशिश करना है जल्दी से मैकेनिज्म के अलावा ही हो जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपको बस यहां से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से यहां से H2 निकाल दो, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो यहां से ये क्वेश्चन जैसे दे दिया गया आपके पास, ये कीटोन दे दिया और इस कीटोन के साथ यहां आपके पास डाल दिया NET2H और यहां एसिडिक मीडियम और इसी के साथ लिख दिया NaBH3Cl, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया और कहा जाए कि रिएक्शंस करो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो कैसे रिएक्शंस करेंगे, अब हमें यहाँ पीएच भी गिवन होगी, पीएच लिख दिया, पीएच इज इक्वल टू 6, पीएच क्या लिख दिया, 6 पीएच लिख दिया। अब आप देखोगे सर यहाँ तो NaBH3CN दे रखा है और उसके साथ पीएच 6 लगा रखी है, पीएच 6 पे तो कीटोन रिड्यूस ही नहीं होता है, तो ये तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। पर उसके साथ एक और चीज दे दी, सेकेंडरी एमीन, या तो प्राइमरी एमीन गिवन होगी या सेकेंडरी एमीन गिवन होगी, तो प्राइमरी अमीन होती है तो भी हमें वहां से H2 निकाल देना है, सेकेंडरी होगी तो भी निकाल देना है, तो यहां से सेकेंडरी दे रखा है तो इसका मतलब सबसे पहले इमीनियम आयन बनेगा और इमीनियम आयन बनता है अगर, तो आप क्या करोगे N और यहां से क्या हो जाएगा ET2 पॉजिटिव, यही बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले जैसे ही आपका इमीनियम आयन बन गया, ये आपका टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन, तो यहां जैसे ही इमीनियम आयन बन गया, अब क्या है NaBH3CN,
NaBH3CN। और NaBH3CN आपको पता है ये क्या करेगा, इसका BH जो बॉन्ड होगा वो इमीनियम आयन पीएच 6 से 8 के ऊपर भी रिड्यूस करता है, तो इसका मतलब यहां से रिडक्शंस हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शंस हो जाएगा, यहां आपका हाइड्रोजन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे आपके पास मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको यहीं से सेम कहानी कह दी जाए कि ये आपके पास यहां डाल दिया NaBH3CN और पीएच बोल दी जाए 6, ठीक है, और आपको कहा जाए क्वेश्चंस करो। तो देखो यहां से एल्डिहाइड गिवन है, और एल्डिहाइड अगर गिवन होता है तो हमें ये पता है कि भाई एल्डिहाइड के साथ पीएच के 6 के साथ यहां NaBH3CN रिएक्शन ही नहीं करता है, और रिएक्शन जब करेगा ही नहीं तो हम तो क्या कहेंगे, सिंपल यही रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने कहा कभी भी वो आपको इमीन यहां से रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, हमेशा कार्बोनिल से स्टार्ट करेगा, एल्डिहाइड कीटोन देगा। और जैसे ही आपके पास ये कंपाउंड दे दिया, अब क्या करोगे, आपको दिख रहा है सेकेंडरी अमीन, ये आपके पास सेकेंडरी अमीन है, और ये सेकेंडरी अमीन होगा तो यहां सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां इमीनियम आयन का फॉर्मेशन करवा दोगे भैया, ये पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहला काम ही यही करना है, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन कर देना है। जैसे ही इमीनियम आयन बना, अब पीएच 6 के ऊपर NaBH3CN इजीली रिड्यूस कर सकता है, तो यहां से क्या करोगे, NaBH3CN डाल दोगे, उसका BH बॉन्ड हमें पता है कि यहां अटैक करता है, यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देता है, तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास ये कंपाउंड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, और यहां क्या बन जाएगा, इमीन की जगह एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ ये सभी कमेंट करके बताओ यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, फटाफट कमेंट करो। बफरिंग हो रहा है, जिसका भी बफरिंग हो रहा है वो एक बार बंद करके वापस रिफ्रेश कर लो भाई, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, कौन से आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चंस, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से होंगे, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस के होंगे, मतलब इसी के ही आपका इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस को, कि आपका एक ही सिस्टम के अंदर कार्बोनिल दे दिया जाएगा और उसी सिस्टम में आपका क्या दे दिया जाएगा। भाई वीडियो नहीं चल रही है, कैसी बात कर रहा है प्रिंस, बताओ वीडियो नहीं चल रही क्या, यहाँ बच्चों की तो चल रही है सभी की, भाई चल रही है, तेरे में मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अरे अंशुमान ये बता तो रहा हूँ डिफरेंट मेथड ही, और क्या बताऊ इससे, चल रही है सभी, बिल्कुल भाई सभी की चल रही है, ठीक है। अब देखो एक ही सिस्टम के अंदर क्या दे दिया जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड दे दिया जाएगा, उसी सिस्टम के अंदर क्या दे दिया जाएगा, कीटोन, आपके पास एमीन दे दी जाएगी, जो सेकेंडरी एमीन हो गया प्राइमरी एमीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, आपको ये कहा जाए, ये आपके पास कंपाउंड दे दिया जाए और इसके अंदर यहां NaBH3CN डाल दिया जाए, यहां क्या डाल दिया जाए भाई, NaBH3CN जो पीएच 6 दे रखा है, 6 से 8 ले रखा है, कह दिया जाए बताओ इसका क्या आंसर होगा, कैसे करेंगे रिएक्शंस। तो देखो यहां हमें पता है कि भाई ये आपके पास सिस्टम दे रखा है NHR और ये सेकेंडरी अमीन है, ये एल्डिहाइड है, बताओ NaBH3CN एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो यहां से हमें सीधा सा मतलब दिख रहा है कि कार्बोनिल और सेकेंडरी एमीन क्या करेंगे, पहले इमीनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे ही इमीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा हमें क्या कर देना है, वहां से NaBH3 उस इमीनियम आयन को रिड्यूस कर देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, यहां से सीधा आप क्या करोगे भाई, यहां से ये नाइट्रोजन, ये आर ग्रुप, बताओ यही हो जाएगा क्या, यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा,
फटाफट बताओ यही कहोगा क्या? अरे तुम भी सोल्व करो भाई पेन कॉपी लेकर के, ठीक है, बैठ करके यहाँ खुद सोल्व करके देखो। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो प्रैक्टिस इतनी कर डालो कि क्वेश्चन ही नहीं दिखे, कि आपको लगे देखते ही पता चल जाए ये तो क्वेश्चन मैंने खुद ही कर रखा है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। फटाफट एक और क्वेश्चन लिखता हूं, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस, क्या बनेगा बताओ प्रोडक्ट, फटाफट बताओ भाई, फटाफट करेंगे आंसर। एक और मैं लिख देता हूं यहां, दो क्वेश्चंस और लिखता हूं, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चंस, ये टाइप टू के क्वेश्चंस है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं टाइप थ्री पे पहुंच रहा हूं, टाइप थ्री ये क्वेश्चंस करेंगे और फटाफट यहां मैसेज करेंगे कि जिसका हो गया कंप्लीट। टाइप थ्री की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस लिख लेता हूं, ये टाइप टू का क्वेश्चंस है, फटाफट देख लो, ये क्वेश्चंस अभी खुद करो, फटाफट करो, पेन कॉपी उठाओ और करने लग जाओ भाई। MuH का यूज है H प्लस देने का भाई, MuH का यूज है H प्लस देने का, कुछ यूज नहीं है, H प्लस देने का यूज है, ठीक है, MuH का यूज है H प्लस देने का। फटाफट ये क्वेश्चंस करो भाई, वो क्वेश्चंस करो, ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने इंट्रामोलिकुलर का बोला, ये क्वेश्चंस फटाफट लगाओ, देखो आपने आप बना रहे हो या नहीं बना बन पा रहा है, फटाफट करेंगे इसको। फटाफट करो ये क्वेश्चंस, बताओ क्या बना पा रहा हूं, ये क्वेश्चंस भी लगा के देखो, ये क्वेश्चंस लगा के देखो और ये क्वेश्चंस, हो सकता है ये सेकंड तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन से ये नहीं हो आपसे, ये नहीं हो आपसे, जो जैम के बच्चे हैं वो टाइप टू तक ही रुक जाना चाहिए, टाइप टू से ऊपर नहीं पूछता है, ठीक है। जो टाइप थ्री लिखा वो ओनली फॉर नाइट गेट के बच्चों के लिए, ठीक है। एच प्लस तो नहीं है एल्युमिनियम आयन फॉर्म करने के लिए, अरे भाई डाल यहाँ एल्युमिनियम आयन के लिए मैंने कहा थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, वो कर लेता है यहाँ, तब रिएक्शन अच्छी हो जाती है, ठीक है, सिंपली। यहाँ जरूरी है थोड़ी ना भाई, यहाँ लिख ले, यहाँ एमएच सॉल्वेंट के पास ले लेगा, यहाँ सॉल्वेंट थोड़ी लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख लिया NaBH 3CN के साथ MuH लिख लिया, कोई भी जो H+ का सोर्स रखता वही, ठीक है, तो वो डला हुआ होता है एक क्वेश्चन के अंदर। यहाँ हमें तो रिएजेंट का रोल सीखना है, ये मत सोच H+ कहां से आएगा, लास्ट में वर्कअप करना ही होता है, ठीक है, वर्कअप करते हैं तो उस वर्कअप से अपने आप H+ आ जाता है, तो ये टेंशन मत लिया करो H+ कहां से आ रहा होगा। फाइव मेंबर रिंग होगी सर, कीटोन रिड्यूस नहीं होगा, गुड, फाइव मेंबर रिंग, ये क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करो, जो मैंने बात ये जैम तक यहीं तक सीमित रखना है जैम को, आप कोशिश करो सीखने की, इसको भी लगाने की कोशिश करो जैम वाले बच्चों भी, नेट गेट में तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैम में भी कोशिश करो, ठीक है। देखो जी सेकंड टाइप का क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो यहाँ आपके पास सबसे पहला नाइट्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, याद रखना। और एक ही सिस्टम के अंदर अगर मेरे पास
दो आपके पास कार्बन दे रहा है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन बताओ किसके पास जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन नहीं कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो नाइट्रोजन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास होगा जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। आप कहोगे सर इसमें से कौन सा बताओ इलेक्ट्रोफिलिक है, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड जो होगा वो कीटोन के कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहां अटैक करेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, क्या कि यहाँ अगर अटैक कर देता है तो 3 मेंबर की रिंग ही बनेगी, और अगर कीटोन पे अटैक करता है तो यहाँ कितनी बनेगी, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि रिंग ही 3 की बन रही है, और यहाँ कितने की, 5 या 6 की। अगर 5 या 6 की बनती है रिंग तो वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो इजीली अटैक कर पाएगा, पर अगर 3 मेंबर की रिंग बनती है तो उसके अंदर स्ट्रेन रहेगा तो वो वहां अटैक नहीं कर पाएगा। पर ये बात ध्यान रखना है, अगर रिंग की प्रॉब्लम नहीं आती तो अटैक कहां करता, वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता, वो इस कीटोन पे अटैक ना करके किस पे करता, एल्डिहाइड पे। बट यहां अब क्या, किस पे अटैक करेगा, कीटोन पे अटैक करेगा। क्यों करनी जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां अगर अटैक किया इसने तो यहां 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन से हो जाएगा, 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। तो बताओ कितने मेंबर की बनी, वो आप नंबरिंग कर लेना है। अगर नहीं समझ में आता है कौन सा कहां जा रहा है, हमें पता है इस नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन यहां से ये हट जाएगा, ये आपका तो रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, यहां से कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो यहां से आप 5 मेंबर की रिंग बना लोगे, यहां से क्या बनाओगे भाई, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशंस कर लोगे। अब देखो 5 के साथ, देखो यहां नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2CHO, नाइट्रोजन के साथ CH2CHO जुड़ा हुआ है, CH2CHO। और इसकी बात करते हैं तो देखो यहां 1 2 3 नाइट्रोजन को हम क्या कहा, 1 इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5 ये बना है। देखो यहाँ 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, 5 के साथ ये लो भाई CH3 जोड़ दिया हमने, 5 के साथ क्या जोड़ दिया, CH3। और 5 और 1 के बीच में बताओ क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज, यही तो हुआ है बताओ, यही तो हुआ है। अब यहां से आपका जो BH इलेक्ट्रॉन होगा NaBH3CN का, वो यहां अटैक कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगी रिंग के, क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहां आपका ये CH3 और यहां आपका ये आपके पास एल्डिहाइड, ये क्या बन जाएगा, यहां से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन से हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, हाँ बिल्कुल राहुल, रिंग स्ट्रेन होगा, बिल्कुल सही बात है, रिंग स्ट्रेन होगा एल्डिहाइड के साथ करेगा तो। पर अगर रिंग स्ट्रेन की प्रॉब्लम नहीं आती तो हम किसके पास लेके जाते, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब एल्डिहाइड पे ही लेके जाते। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन में हमें पता है क्या चीज दे रखी है, यहां आपका RNH2 दे रखा है, मतलब तो यहां प्राइमरी एमीन दे दिया, ठीक है, RNH2 प्राइमरी एमीन लिखा हुआ है, MEH जो है वो H+ का सोर्स का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां से बताओ दो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक तो एल्डिहाइड एक कीटोन है, बताओ किसके पास जाएगा। आप कहोगे सर एल्डिहाइड के पास जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियस एल्डिहाइड के पास ही जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहां मोर इलेक्ट्रो ना मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, तो यहां कीटोन रह जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन गया एमिनियम आयन, ये NH R हो जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा NH, ये NR और ये आपका आयन, और ये क्या रह जाएगा कीटोन, यही बनेगा बताओ। अब यहां से बताओ ये इमीन बन गया है, इमीन आपको पता है BH3CN जो होगा उसका BH बॉन्ड जो होगा वो अटैक कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा आगे और क्या होगा, ये आपके पास एमीन है, यहां से आपका डबल बॉन्ड होगा और ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से आपका एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बताओ यही तो बनेगा भाई NHR, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा NHR का, बताओ यही तो बनेगा। और देखो यहां मतलब यहां अभी तक जो आपके पास एक ही सिस्टम में एमीन भी बना के दे रहा था और आपके पास कार्बोनिल बना के दे रहा है, अब ये कार्बोनिल के साथ रिएक्शंस करके सबसे पहले एमीन जोड़ा है इसने, और अब वापिस क्या करेगा, वापिस फर्दर बताओ इनके बीच में रिएक्शन होगी कार्बोनिल और अब सेकेंडरी एमीन, तो वापिस रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगी, यहां से एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और रिंग का फॉर्मेशन होगा तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी बताओ, यहां से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 की फॉर्म में, बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बताओ क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, यहां से
ये फाइव मेंबर की रिंग बन जाएगी, बताओ एन आर डबल बॉन्ड, बताओ ये आपके पास वन प्रायोरिटी थी, इसको आपने कहा फाइव, तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यही डबल बॉन्ड बन गया, बताओ वन के बगल में कौन है, टू है, टू थ्री फोर, बताओ भाई यही बनेगा और ये बन जाएगा। अब आपको पता है NaBH3 सॉल्यूशन में है ही, अगर NaBH3 सॉल्यूशन के अंदर है तो यहां से BH क्या करेगा, अटैक कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और जिसको ये बात समझ में आ गई है वो ये क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चंस भाई अटेम्प्ट करो जिसको ये बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करेंगे भाई। सर स्लाइड सिक्स ओपन कर दो। ओके पिंकी, लास्ट प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट लास्ट, स्लाइड सिक्स ये है भाई, फटाफट करेंगे भाई। क्वेश्चंस कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो या लिखने में लगे हुए हो, फटाफट बताओ ये क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बोलो ये फटाफट। बताओ देख लिए ये क्वेश्चंस, अब बताओ यहाँ के क्वेश्चंस क्या बनेगा इसमें। अरे स्लाइड फाइव कभी सिक्स भाई, क्या पूछना चाह रहे हो, ये लो फाइव, ठीक है ये स्लाइड फाइव लो, ठीक है भाई, ये देखो सिक्स नंबर है इसमें क्वेश्चंस आपको। यहाँ देखो दो कार्बोनिल कंपाउंड दिया मैंने, अभी तक क्या बात कर रहा था, NaBH3CN कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो बताओ यहाँ NaBH3CN दे रखा है या आपके पास पता है प्राइमरी एमीन दे रखा है, और प्राइमरी एमीन अगर दे रखा है तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शंस कर लेगा और क्या बना देगा, इमीन का फॉर्मेशन कर देगा, RNH2 क्या बना देगा भाई, इमीन। तो ये कीटोन आप किसी भी एक कीटोन के साथ बना लोगे, यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, आर आपके पास ये हो जाएगा, ये बन गया, और अब यहां से आपका BH3CN जो होगा वो अटैक कर देगा, अटैक करते ही यहां से BH जो बॉन्ड होगा वो अटैक कर देगा, यहां से सेम रिएक्शंस कर लेनी है, यहां से क्या बन गया NR और ये आपका कार्बोनिल। बताओ आप सबसे पहले तो क्या क्या इस रिएक्शंस के अंदर सेकेंडरी एमीन हम लेके आए, जैसे ही सेकेंडरी एमीन आ गया, अब सेकेंडरी एमीन आ गया तो अब यहां से क्या कर जाएगा, वापिस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये लो भाई सिक्स मेंबर की रिंग बना दी हमने, तो ये सिक्स मेंबर की, देखो यहां इसको हम वन का है, इसके बगल वाले को टू जिसपे CH3 जुड़ा हुआ है, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, देखो सिक्स के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ टू के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये सिक्स के साथ एक CH3 हो गया, बताओ यहाँ वन और आपके पास सिक्स के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इमीनियम आयन बन जाएगा बोलो भाई, और अब क्या कर देगा यहाँ इसके साथ से, यहाँ से NaBH3 का BH बॉन्ड आएगा, वो यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये आपके पास NR का फॉर्मेशन, ये किसके लिए, ओनली नेट के बच्चों के लिए, जो आपको यहाँ सीखना है एग्जाम वालों, तुम्हें भी आगे चल के नेट देना है, एग्जाम तक थोड़ी रुकना है, तो ये चीजें सीखनी होंगी आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस भी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस सीखनी होंगी, ठीक है। हाँ प्रिंस बिल्कुल, कीटोन अगर है तो इलेक्ट्रोफिलिक पोजिशन सेम है, ठीक है, तो किसी भी एक के ऊपर करवा दो, दोनों में से जो पसंद आए वही, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब बात करते हैं किसकी, इसमें ये यहां तक हमारा NaBH3CN का पोर्शन था, वो इजीली आप कर लोगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जो नेट के अंदर क्वेश्चंस पूछा था, एक नेट का और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं। नेट का क्वेश्चंस क्या था, उसमें ये बातें बताई गई थी, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, सबसे पहले वही देखो कि आपके पास ये सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है,
यहां दिया हुआ था NH3 दिया हुआ था, ठीक है, और इससे आगे और भी दिया हुआ था, एक आपके पास कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ था, आगे बहुत सारा ग्रुप जुड़े हुए थे, मैं इसको R ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, आगे 7-8 कार्बन का एक एस्टर भी दिया हुआ था, ठीक है, ये नेट के अंदर इतना पोर्शन हमारे लिए काम का, और आगे एक्स्ट्रा जोड़ रखा था वो कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड दे रखा था, इसमें पहली स्टेप के अंदर लिख रखा था PPH3 और दूसरी स्टेप के अंदर लिख रखा था यहाँ NaBH3CN, ये नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप नेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो देखो यहाँ PPS3 जो होता है, इस PPS3 का रिएजेंट का रोल समझना है आपको, ये एक बहुत ही हाईली स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो ओनली किसको रिड्यूस करता है, एजाइड को रिड्यूस करता है। अगर RN3 दे रखा है आपके पास तो वो क्या कर देगा आपका, यहाँ जो आपके पास PPS3 होगा या फिर क्या दिया होगा, PPS3H2O दिया हुआ होगा, ये क्या कर देता है, इस RN3 को NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये किसके लिए बता रहा हूँ, नेट के लिए और नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो PPS3 क्योंकि ये रिएजेंट जो यूज किया जाता है नेट में ही जनरली पूछा जाता है, जैम में कभी नहीं पूछा है ऐसा रिएजेंट, ठीक है। तो ये जो रिएजेंट होता है ये क्या काम करता है, स्पेशली यूज जो डिजाइन किया गया है वो किसके लिए है, नेट में। नेट में कम से कम ये रिएजेंट 2-3 बार पूछा ही जा चुका है, इसका स्पेशल रिएक्शन PPS3 की डाल के पूछी हुई है कि अगर मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन कह दिया जाए, देखो ध्यान समझना है, जैसे ये क्वेश्चन बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन जैसे दे दिया जाए, यहां N3 पॉजिटिव है, सॉरी N3 है, ठीक है, एजाइड है, और यहां क्या दे रखा है, एक कार्बोनिल भी दे रखा है, एल्डिहाइड मान लेता हूं, और इसमें एक मैंने क्या कहा कि यहां क्या डाल देता हूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूं, ध्यान समझना है भाई इस चीज को, और यहां एक जगह मैंने क्या डाल दिया, PPS3 वॉटर या PPS3 डाल दिया, ठीक है। तो इन दोनों से अगर तुम्हें पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे कि यहां एजाइड जो है इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, RNH2 के अंदर, और एल्डिहाइड है वो इसको भी कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, आपका एल्कोहल के अंदर। तो यहां से ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया और ये आपका एजाइड जो था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, NH2 के अंदर ये प्रोडक्ट। पर ये जो PPS3 है ये एक स्पेशल रिएजेंट है फॉर किसके लिए, एजाइड के लिए, एजाइड को इसको रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके किसमें ले आएगा, NH2 के अंदर, NH2 के अंदर। तो यहां से क्या बन जाएगा, NH2, और इस कार्बोनिल का जैसा है वैसा ही ये कार्बोनिल रह जाएगा। बताओ अगर मैं यहां PPS3 की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेता तो वो इसको तो रिड्यूस करता इस N3 को, साथ में इसको भी रिड्यूस कर देता, इसीलिए ये एक स्पेशल रिएजेंट होता है। किसके लिए यूज किया जाता है, एजाइड को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां ये एजाइड बस ये कहां इफेक्ट डालेगा, ओनली फॉर यही इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफिक बहुत ही, देखो कोई भी रिएजेंट स्पेसिफिक होता है जिसका एक स्पेशल रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे आपने आप बीमार पड़ गई, आपको गोली दी जाती है बीमार होने की, जो भी प्रॉब्लम हुई है, या जुकाम हो गया तो जुकाम की गोली दे दी जाएगी, बीमार हो गए तो पैरासिटामोल गोली दे दी जाएगी, ठीक है। पर वो कहां इफेक्ट करेगी, वो अपना जहां बीमार हुए तो उसी पॉइंट पे इफेक्ट करेगी जहां से तुम ठीक हो सकते हो, और कहीं पर भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी, यही तो है उस गोली काम, जो भी आपने टेबलेट ली है, ठीक है। अब क्या होगा, जो टेबलेट आपने ली है वो अगर मान लो हर एक जगह मान लो इफेक्ट डालने लग जाए, देनी कहीं थी वहां पर भी इफेक्ट डाला, उसके आस पड़ोस में थी वहां पर भी उस टेबलेट का इफेक्ट हो रहा है, तो बताओ क्या वो टेबलेट काम की है, बिल्कुल नहीं है। तो टैबलेट तो हमें ऐसी चाहिए जो अगर मैं बीमार हुआ हूं तो मेरे उस बीमारी को ठीक कर दे, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं करे, वही टैबलेट काम की है। तो यहां पर भी तो जब भी कोई रिएजेंट का कोई स्पेसिफिक रोल होता है तो वो रिएजेंट क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक ऐसा रिएजेंट जो सबको रिड्यूस कर देता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहां समझना है कि आपका PPS3 क्या कर देगा भाई, यहां से इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका ये R और इसको NH2 के अंदर। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ आगे मुझे क्या करवाना है, ये आपका प्राइमरी एमीन और ये आपका कीटोन, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1, 2, 3, 4 और ये आपके पास 5, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है।
नेट के एग्जाम में 7 की बनी थी क्योंकि वहां आपको एक और कार्बन था इनवॉलिस के अंदर, तो यहाँ कितने की बन जाएगी 7 मेंबर। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से ये H2O बाहर कर दोगे। बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी। यहाँ से ये आप क्या कर लोगे लास्ट में फाइनल BH के साथ रिड्यूस करके दिखा रहा हूँ भाई यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये R ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या, फटाफट बताएंगे भाई सभी, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, PPH3 जो होता है N3 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान रखना, नेट के लिए स्पेशली रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है नेट के लिए, जो भी थी लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे वो सभी नेट के लिए है, ठीक है। नहीं नहीं, PCl3 ले ले तो नहीं होता है, ठीक है। PCl3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है एल्कोहल को, एल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल के लिए यूज किया जाता है भाई, ठीक है। PPH3 अलग रिएजेंट है, PCl3 अलग है, उसका रोल अलग है। वो PCl3 जो होता है वो किसी एल्कोहल को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हेल्प करता है, जो आप सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ नेक्स्ट हमारा पास रिएजेंट डेरिवेटिव की बात करते हैं, किसकी, NaBH3CN, NaBH4। ये हमारा NaBH3CN का पार्ट खत्म हो गया है, NaBH4CeCl3.7H2O ये रिएजेंट, इसे बोला जाता है लुके रिएजेंट या लूचे कह सकते हो। ठीक है, ये रिएजेंट, ठीक है। अब इसका काम देखो, अभी तक क्या कर रहे थे इस रिएजेंट की अगर कहानी की हम बात करते हैं, तो ये रिएजेंट कर क्या रहा था, देखो यहां जैसे आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ही सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है और इधर दिया हुआ है एल्डिहाइड और इधर दिया हुआ है कीटोन। आप सोचो अगर मैं यहां NaBH4 डाल देता हूं भाई, यहां क्या डाल देता हूं, NaBH4, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला अगर मैं लिख देता हूं यहां 1 इक्विवेलेंट पे ही बात करनी है, मतलब एक को ही रिड्यूस करना है, इसकी भी कीमो सेलेक्टिविटी आपको दिखानी है, तो बताओ आप क्या करोगे। सबसे पहला पॉइंट लिख लेना इसमें, सबसे पहला NaBH3CN में सबसे पॉइंट नंबर 1 करके लिख लेना है, रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, यहां लिख लेना है पॉइंट नंबर 1 करके, रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। दूसरा पॉइंट करके लिख लेना है हाईली कीमो सेलेक्टिव। अरे बनेगा भाई चंदन, मैंने कहा डायरेक्ट कर लिख रहा हूं प्रोडक्ट है, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, अरे भाई बातों को सुनते क्यों नहीं, ये तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। देखो एल्युमिनियम आयन बनेगा, उसके बाद BH इलेक्ट्रॉन देते, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया। अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी तब इतना तो कॉमन सेंस हो गया होगा कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है चंदन। ओके भाई बताओ चंदन, समझ में आ गई बात, ठीक है चंदन। एल्युमिनियम आयन बनेगा, उसके बाद NaBH3CN अटैक करता है, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट लिख दिया प्रोडक्ट, मैं सोच रहा था भाई आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, अब काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया हमने। बताओ NaBH3CN क्या करेगा, आप खुद बताओ फटाफट, किसको रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, बताओ फटाफट बताओ, NaBH4 क्या करेगा, क्या करेगा। सबसे पहले मैंने इसका पॉइंट लिख लेना, इसका पॉइंट क्या करेगा, इसका पॉइंट लिख लेना, रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की प्रेजेंस में कीटोन का रिडक्शन। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे हाईली कीमो सेलेक्टिव, दूसरा पॉइंट करके लिखेंगे हाईली कीमो सेलेक्टिव, बिल्कुल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसको रिड्यूस करेगा सबसे पहले। अगर 1 इक्विवेलेंट लेता हूं तो आप कहोगे सर इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा और इस कीटोन को छोड़ देगा, यही तो करेगा, बताओ यही काम कर रहा है, वैसे दोनों को रिड्यूस करता है, आपको ये सेलेक्टिविटी शो नहीं करता है NaBH4, ये दोनों को रिड्यूस करता है, पर मैंने यहां मान लिया कि भाई ये 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं कि आपको एक को रिड्यूस करवाना है, तो बताओ किसको करोगे। आप कहोगे सर यहां जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा होगा तो उसको रिड्यूस करेंगे हम पहले, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, कीटोन ना सॉरी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया। पर सोचो अगर मैं यहां यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ही NaBH4 के साथ ही क्या डाल देता हूं, CeCl3.7H2O और इसके साथ MuH भी डाल देते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, ये रिएजेंट डाल देता हूं तो क्या कहानी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाता है, जो NaBH4 अभी तक एल्डिहाइड के लिए मर रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए, वो अब एल्डिहाइड को ही छोड़ देता है, कहता है भाई मैं रिड्यूस ही नहीं करूंगा, मैं तो किसको रिड्यूस करूंगा, कीटोन को, चलो ठीक है कि एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करना, कीटोन को रिड्यूस कर रहा है, पर बताओ एल्डिहाइड को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो काम कर रहा था उससे एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, कुछ एबनॉर्मल कर रहा है ये, क्योंकि होना क्या चाहिए था, एल्डिहाइड पर होल क्या रहा है, कीटोन। देखो कैसे होता है, एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका सीरियम क्लोराइड और वाटर मिलकर के इस जो एल्डिहाइड होता है इसको प्रोटेक्शंस कर देते हैं, प्रोटेक्टेड मतलब इसकी रिएक्टिविटी घटा देते हैं। कैसे घटाते हैं, सबसे पहले देखो ये सीरियम क्लोराइड होगा तो बताओ यहाँ ये लुईस एसिड का काम कर रहा होगा, तो यहाँ ये लोन पेयर अटैक करेंगे, सीएल को बाहर कर देंगे एक सीएल को, तो बताओ क्या बन जाएगा यहां से, ये आपके पास बताओ क्या हो जाएगा भाई, ये कीटोन हो गया और इसके साथ क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीजन और CeCl2 जुड़ जाएगा। बताओ जैसे ही CeCl2 जुड़ा तो बताओ इस कार्बोनिल की हुई क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि दोनों में से उसके ऊपर जाएगा जिसकी इलेक्ट्रो, यहां आपकी क्या बढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी। और जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो यहां से वॉटर अटैक करके, यहां से वॉटर अटैक करके क्या कर देता है, इसको प्रोटेक्शन कर देता है, इसको क्या कर देता है, प्रोटेक्टेड कर देता है, प्रोटेक्टेड फॉर्मूला देता है इसका। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया, रिएक्टिविटी घटा दी, ये आपके पास कंपाउंड बन गया और ये आपका OCECl2 और OH, ये आपका प्रोटेक्शन करते हैं इस एल्डिहाइड। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप किसी, आप नॉर्मली सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, रोजाना आप गाड़ी लेके या बाइक लेके जा रहे हो, पर सोचो एक दिन रास्ते में वहां कोई दीवार खड़ी कर दे, तो बताओ क्या उस दीवार, 6 फुट की दीवार खड़ी कर दी, तो बताओ क्या आप जा पाओगे वहां बाइक या गाड़ी लेके, फिर आगे रोड की तरफ क्रॉस कर पाओगे, इसको नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब आपको रोक दिया गया, आपका प्रोटेक्शंस कर दिया गया, जिस स्पीड से आप जा रहे थे रोजाना की तरह जा रहे थे, उसको रास्ते में आपको रोक दिया गया, आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, अब आप उस दीवार को फांद करके आगे नहीं जा सकते हो गाड़ी को लेकर के। तो सोचो इसके साथ भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था, बट इसके साथ क्या कहानी हो गई, इसको प्रोटेक्शन कर लिया। अब बताओ क्या ये एल्डिहाइड रहा है, और जब ये एल्डिहाइड रहा ही नहीं, अब ये NaBH4 आता है बेचारा घूमता फिरता और दिखता है कि कीटोन ही नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है इसको। और जैसे ही कीटोन आएगा, कीटोन दिखेगा तो सोचेगा भाई ले कीटोन पे अटैक कर ले, चलो एल्डिहाइड प्रोटेक्टेड फॉर्म में, तो उससे पहले अटैक कर लेते हैं यहाँ, और अटैक करते हैं यहाँ, इसको रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, आपका सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर, सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर क्या कर देगा भाई, रिड्यूस कर देगा, और यहां ये OH और OCECl2, और बाद में जब वर्कअप करवाओगे तब जैसे इसमें H+ का सोर्स डाल रखा होगा तो ये भी OH हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, OCECl2, बताओ क्या कर देगा भाई, वापिस क्या बना देगा, OH, यहां से ये OH H+ ले लेगा और OH बन जाएगा। आपको पता है एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, दो OH स्टेबल नहीं होगा तो यहां से क्या निकल जाएगा भाई, वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बताओ बन क्या जाएगा, सोचो एल्डिहाइड है, सोचो यहां जो एल्डिहाइड दिख रहा था वो एल्डिहाइड तो जैसा है वैसा रह गया, बट कीटोन रिड्यूस हो गया। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए भाई कीटोन का प्रोटेक्शन क्यों नहीं हुआ। सर कीटोन का प्रोटेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो पहले अटैक इसके ऊपर होगा, पहला प्रोटेक्शन इसके ऊपर होगा भाई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है एल्डिहाइड की, ठीक है, तो पहले इसके साथ रिएक्शन ना करके इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ठीक है दिशांत, बताओ समझ में आ गए, सभी मैसेज करो भाई फटाफट, सभी बताएंगे फटाफट बताए, ठीक है सभी को आ गए समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यहां ध्यान रखना इसका रोल, ये कीटोन को रिड्यूस कर रहा है, और किसको कर रहा है, नहीं कर रहा है एल्डिहाइड को, स्पेसिफिक हाईली कीमोसेलेक्टिव होता है ये, ठीक है, तो जो मैंने यही चीज बताई, को किसी का भी एक स्पेसिफिक रोल होता है वो रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका बीमारी से आपका एक एग्जांपल देके समझा भी दिया है कि अगर टैबलेट हर जगह इफेक्ट शो करने लग जाए तो काम की नहीं रहेगी, बट अगर वही टैबलेट एक स्पेसिफिक रोल निभाए तो बहुत काम की हो जाएगी। तो यहां पर भी रिएजेंट एक स्पेसिफिक रोल काम करता है और किसी को और किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया,
ये आपके पास कंपाउंड, और यहां क्या कर दिया NaBH4 CeCl3 डाल दिया .7H2O, और आपको कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ क्या प्रोडक्ट, यहां से NaBH4 भी डाल दिया जाए, फटाफट करने लग जाओ भाई, यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी चलो डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या काम करेगा, तो बताओ क्या काम करेगा ये आपका NaBH4CeCl3, किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को छोड़ देगा, ये लो भाई कीटोन को रिड्यूस कर दिया, एल्डिहाइड को छोड़ दिया, यहां एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड जैसा एज इट इज है वैसा ही लिख दोगे, NaBH4 दोनों को रिड्यूस कर देगा, NaBH4 बताओ भाई क्या कर देगा, दोनों को ही रिड्यूस कर देगा, ये प्राइमरी एल्कोहल और इसको सेकेंडरी एल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेम काम करेगा, सेम काम कर रहा होगा, बताओ सेम काम कर रहा होगा, ठीक है, सोचो अगर मैं यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ I2 डाल देता हूं तो क्या कहानी होगी, बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर I2 डाल दिया जाता है या X2 कोई भी HCl डाल दिया जाए I2 तो क्या कहानी होगी, बताओ फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसके साथ क्या कहानी होगी, NaBH4 भाई एल्डिहाइड कीटोन में कोई कीमोसेलेक्टिविटी नहीं दिखाता, वो मैंने वन इक्विवेलेंट डाला था, जबरदस्ती कहा था भाई इसके साथ क्या होगा, पर जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो दोनों को रिड्यूस कराना है, ठीक है, फटाफट बताएंगे भाई, सिद्धांत प्रोटेक्शन कीटोन का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोफिसिटी कम होती है, एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है कीटोन के कंपैरिजन में, तो एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो पहला प्रोटेक्शन जो होगा वो एल्डिहाइड के साथ होगा, पहला चीज जो अटैक होगा वो किसके साथ होगा, एल्डिहाइड के साथ, इसलिए एल्डिहाइड का पहले प्रोटेक्शन होता है क्योंकि कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, एल्डिहाइड की ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपैरिजन मैंने पहले ही क्लास में करवा दिया था, OH की जगह OI आ जाएगा, बिल्कुल गलत है भाई, अरे मैंने ये रीजेंट याद करने के लिए बताया कि एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए प्रोपरजलिक एल्कोहल प्रोपरजलिक ईथर क्या पढ़ते हो, कल ही तो क्लास लगी थी, कोई रिएक्शंस नहीं होगी, कोई कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करता, ये ओनली एक स्पेसिफिक रोल निभाया था कहां, एल्काइन को रिड्यूस करने के लिए, अरे यही तो चीज भाई बोल रहा हूं, कब से मैं इस चीज को समझो, इस चीज को रिएजेंट की कहानी बदल रही है, आप थोड़ी सी चीज अलग डाल रहे हो, रिएजेंट का काम करना चेंज हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर I2 डाल रहे हो तो आपका वो काम नहीं कर रहा है, ये किसके लिए रिएजेंट यूज करते हो, एल्काइन के लिए, अगर मैं यहां एल्काइन लगा देता हूं तो ये एल्काइन का ही काम करेगा, जैसे ये होगा तो यहां आपके पास जो आपका एल्काइन प्रोपरजिलिक एल्कोहल ईथर बना रहे हो तो उसी का ही रोल निभाएगा, जैसे ये बना दिया तो इसको रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, ओनली इसको रिड्यूस कर देगा, इनको रिड्यूस नहीं करेगा, तो यही बन जाएगा ना, इस तरह बन जुड़ेगा, ये जेड बनता है, जेड याद करो, जेड बनता है, ठीक है, ये बन जाएगा, बताओ ये बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल, रिएक्शन नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली ये समझो इस चीज को, अगर मैं रिएजेंट बोल रहा हूं भाई इसके साथ ये चीज ऐड कर देता हूं तो ये एक स्पेसिफिक काम करने लग जाता है, उसी स्पेसिफिक काम को याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना भाई यही काम करेगा और किसी के साथ नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जैसे ही आप कोई एक और भी बात करेंगे लुईस एसिड की, उसके साथ देखोगे तो उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी, आगे कहानी उसकी भी आने वाली, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप कोई लुईस एसिड डाल देते हो तो उसकी तो रिएक्टिविटी बदल जाती है, जो अभी तक मर रहा था एल्डिहाइड एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए, वो सबसे पहले एमाइड को रिड्यूस करने भागेगा, फिर देखना इसकी रिएक्टिविटी उल्टी हो जाएगी इनवर्स, ठीक है, आगे बढ़ेंगे उसकी बात करेंगे, अब हम इसी के ऊपर ये CeCl3, अब देखो इसी में सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखा है था मैंने NaBH4CeCl3 के अंदर, पहला पॉइंट लिखा था रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, Reductions of ketone in presence of aldehyde. दूसरा पॉइंट करके लिखेंगे Reductions of alpha beta unsaturated carbonyl compound. Reductions of alpha beta unsaturated carbonyl compound in presence of ketone.
रिडक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, रिडक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, ये पॉइंट लिखेंगे। मतलब आपके पास एक कीटोन गिवन होगा और एक आपके पास सेकंड काम दिखा रहा हूं इसका NaBH4CCl3। पहला काम तो आपको क्या होगा, एक ही कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी गिवन होगा, कीटोन भी। पहले किसको रिड्यूस करेगा भाई आपका, किसको करेगा, एल्डिहाइड को, ना कीटोन को रिड्यूस। दूसरा आपके पास अगर एक ही सिस्टम के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसी सिस्टम के अंदर क्या हो, कीटोन हो, तो बताओ किसको रिड्यूस करेगा। खुद सोचो कि यहां किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को बोल रहा हूं मैं। ये कार्बोनिल है, ये आपके पास कार्बोनिल है और यहां क्या डाल देता हूं, NaBH4CeCl3.7H2O। तो यहां क्या हो जाता है, ये इस कीटोन को रिड्यूस ना करके किसको करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और कितना प्रोडक्ट देता है वो भी देखो, मैंने लिखवाया था याद करो पिछली क्लास में, मैंने कहा था ये 100% कर देता है अगर अल्फा बीटा आ जाता तो। याद करो उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 ये सारे रिएजेंट लिखवाए थे -10°C लेकर के। उसमें मैंने कहा था आगे बताऊंगा, ये आपके पास 100% जो होता है वो प्रोडक्ट देता है किसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का कार्बोनिल कंपाउंड को ओनली रिड्यूस करता है। क्या कर दिया इसने, इस कार्बोनिल कंपाउंड को, कीटोन को जो अभी तक रिड्यूस करता है वो कार्बोनिल को, कहा ऐसा जाता है कि इस जो एल्कीन है इसके साथ सीरियम क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो इजी हो जाता है इसके साथ अटैक करना। तो यहां होता क्या है, बस दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, कीटोन और एल्डिहाइड होता है, कीटोन को रिड्यूस करोगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर एक ही सिस्टम में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हो और उसी सिस्टम में क्या हो, कीटोन हो, तो पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है। ठीक है, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है कि, जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले ये फटाफट ये क्वेश्चन करो, ये आपके पास दिया हुआ है और ये आपके पास दिया हुआ है, फटाफट ये क्वेश्चन करो भाई। यहां सेम का रिएक्शन दी हुई है, NaBH4CeCl3.7H2O। ठीक है, तो फटाफट करो, बताओ किसको, ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ये नहीं है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। बताओ भाई क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, ये OH में कन्वर्ट कर देगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या कर दिया, इस OH को रिड्यूस कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और क्वेश्चंस करो देखो इसके ऊपर, और क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन दे दिया जाए और यहां NaBH4CeCl3 डाल दिया जाए .7H2O, तो बताओ क्या कर देगा, इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा, अल्फा बीटा वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहां इस कंपाउंड को क्या कर देगा, इस कीटोन को तो छोड़ देगा और इस आपके पास इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपका क्या जाता है, यहां फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बताओ कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, सोनू क्या लिखना चाह रहा है, रेड ऑफ ए बी कार्बोनिल बताओ भाई क्या समझू मैं इसका, अच्छा रिडक्शन है क्या रेड की जगह, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में रिडक्शन है क्या, हाँ बिल्कुल, ए बी का मतलब समझ गया, अल्फा बीटा बोल रहा है क्या, रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा कार्बोनिल, बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल सही लाइन पे हो। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएजेंट की बात करता है, जो हमारा जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट रिएजेंट है और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास और भी उसके डेरिवेटिव बचे हैं। डेरिवेटिव के अंदर ये लास्ट रिएजेंट होगा जैम का, कौन सा है आपका, NaBHOAC3, ये रिएजेंट की बात करेंगे, NaBHOAC3। अब देखो इस रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इस रिएजेंट की कहानी भी कैसी होती है आपके पास, वो भी समझते हैं। आपको पता है यहां से ये आपके पास एक बोरोन के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, OAC ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OCOCH3, बताओ ये ग्रुप जुड़ेंगे, यहां ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है।
और ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बताओ ये OSC जो ग्रुप है ये क्या लगाएगा, माइनस आई, ये क्या लगाएगा, माइनस आई, माइनस आई लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रो कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रो करेगा तो बताओ इस BH बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो क्या कहोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई। दूसरी क्या कहोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई। और न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर डिक्रीज होती है तो आप क्या कहोगे, कीमो सेलेक्टिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक सबसे पहला ही पॉइंट लिखेंगे, ये क्या होगा, हाईली कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होगा, हाईली कीमो सेलेक्टिव, इस पॉइंट को नोट कर लेना है भाई, हाईली कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होगा, हाईली कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होगा। दूसरी बात, दूसरी बात यहां लिखेंगे, दूसरी पॉइंट करके लिखेंगे, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। अभी तक देखो ये NaBH3CN जो आपके NaBH4CeCl3 था, जो लुक के रिएजेंट था, उससे अपोजिट काम कर रहा, वो क्या कर रहा था, कीटोन का, वो तो चलो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा था। ये मैंने क्या कहा, ये मैंने कहा रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। बताओ भाई फटाफट कि क्यों एल्डिहाइड को पहले रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू कीटोन, फटाफट बताएंगे सभी कि एल्डिहाइड को क्यों रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू कीटोन, कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड को रिड्यूस क्यों करेगा। सभी आंसर देंगे, ऐसा क्या कर देता है कि ये क्या कर, हो जाता है कि एल्डिहाइड का रिड्यूस कर देता है। और देखो दूसरी बात, ये बहुत ही बल्की ग्रुप लगे हुए इसके साथ, तो काफी बल्की रिएजेंट हो गया, जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन जो होगी वो रिएक्टिविटी वो कम भी हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ क्यों हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी के सभी बच्चे, बिल्कुल सही, निशांत, निशांत, अनमोल, भारत, आदिति, बिल्कुल, अंजू, क्या स्टेरिक इंड्रेंस का कहां बात आ गई, सेम सुपीरिया, बिल्कुल गलत, स्टेरिक इंड्रेंस का कोई रोल नहीं है, आप समझ रहे हो सभी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, और बच्चों का सभी का सही है, बल्कि स्टेरिक इंड्रेंस का भाई कोई रोल नहीं है। यहां मैंने कहा रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, तो ये रिएजेंट जाएगा, ये रिएजेंट बल्कि है, रिएजेंट उसके पास जाएगा तो भी वैसा ही रहेगा, एल्डिहाइड के पास जाएगा तो भी। मेन प्रॉब्लम मैंने क्या कहा पहले, कौन से ये जितने भी हाइड्राइड है ये कहां जाना पसंद करते हैं, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो हो रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो जहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, रिएक्शंस फास्ट हो रही है, तो रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हमें पता है एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन, तो पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। यही तो चीज समझनी है कि रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, जैसे आपके पास एक एल्डिहाइड दे दिया जाए, कीमो सेलेक्टिविटी यही तो है कि दो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उनमें से एक को रिड्यूस हो जाए दूसरा नहीं हो, एल्डिहाइड दिया हुआ है कीटोन को रिड्यूस करना, एल्डिहाइड कीटोन दिया है, यहां आपके पास NaBHOAC का होल थ्राइस डाल दिया जाए, बताओ क्या कर देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा एज कंपेयर टू कीटोन की कंपैरिजन में, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन आपका एज इट इज रह जाएगा। यही तो कीमो सेलेक्टिविटी है भाई, क्यों किया है पहले लिख लो नोट करके, ड्यू टू क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी हाई होगी इसी वजह से। बिल्कुल सही सभी ने आंसर, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, एक दो बच्चों को छोड़ करके। ठीक है भाई, जो गलत कर रहे हैं वो ये मत समझो कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, यहाँ गलतियां करोगे तभी तो कुछ सीखोगे, एग्जाम में नहीं करनी है, एग्जाम से पहले चाहे कितनी भी गलतियां कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बस चीज को समझना है इनको कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड को रिड्यूस कौन कर रहा है, कीटोन को रिड्यूस कौन कर रहा है। अगर सोचो इसी में ही मैं NaBH4CeCl3.7H2O डाल देता हूं, तो बताओ क्या करेगा, ये क्या कर देगा, बताओ इसके साथ क्या कहानी होगी। अब ये एल्डिहाइड, ये तो क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस, ये क्या करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, ये क्या करेगा भाई, कीटोन को रिड्यूस कर देगा, ये आपके पास एल्डिहाइड ये क्या कर देगा, एज इट इज रख देगा, और ये क्या कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। बताओ यहां अगर सिंपल NaBH4 डाल देते हो, तो NaBH4 डाल देते हो, बताओ क्या होगा, यहां आपके पास इन दोनों को रिडक्शन कर देगा, क्या कर देगा, दोनों का ही रिड्यूस कर देगा,
ये प्राइमरी अल्कोहल और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों को ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, बताओ ये बातें समझ में आ गई? बताओ सभी, बताओ समझ में आ गई क्या? एक और एग्जांपल करो, जैसे आपके पास कीटोन दे दिया और कीटोन के साथ ये लो एल्डिहाइड भी दे दिया और यहां क्या डाल दिया, एन ए बी एच फोर बी एच ओ ए सी का होल थाइस। बताओ क्या आप देगा भाई, क्या करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, क्यों, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, क्यों भाई, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कीटोन को छोड़ देगा, कीटोन को छोड़ देगा। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बताएंगे भाई, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? हाँ बिल्कुल हर्ष, एल्डिहाइड की अब खैर नहीं। ठीक है, जो अभी तक बच रहा था कि जब क्या डाल रहे थे हमें, NaBH4CeCl3 डाल रहे थे, जो बच कर निकल रहा था, जैसे आपका NaBHOAC आया तो वो सब इसको भी लपेटे में ले लिया। अब ये किसका अल्कोहल लपेटे में आ जाता है, एल्डिहाइड। ठीक है बिल्कुल भाई, ओके गुड, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ऑल क्लियर। देखो अब यहां जितने भी आपके पास जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी उनके जो डेरिवेटिव्स थे वो खत्म कर लिए हमने। अब दो डेरिवेटिव्स बचे हैं, कौन कौन से, एक तो NME4 पॉजिटिव और क्या होगा इसके साथ आपका यहां BHOAC का होल थ्राइस और दूसरा यहां आपके पास Na या बोरोन, बोरोन के साथ BHR3 सिलेट्राइड जिसे आप कहते हो। ठीक है, और ये क्या है, मेटल, तो मेटल के साथ सिलेट्राइड बचा हुआ है। मेटल जैसे जैसे लिथियम चेंज होता है सिलेट्राइड कहेंगे, अगर पोटेशियम होगा तो के सिलेट्राइड हो जाएगा, सोडियम होगा तो इनसिलेट्राइड, इस टाइप से। ठीक है, ये दो रिएजेंट बचे हैं, दोनों ही नेट के हैं। ठीक है, तो ये हम जब नेट की स्पेशल क्लास लगाएंगे उसमें ये रिएजेंट पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है दो डेरिवेटिव बचे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की भी। देखो जैम के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री का रिएजेंट के अंदर कोई रोल नहीं है, जैम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते रिएजेंट से रिलेटेड कि उसमें स्टीरियो से इन्वॉल्व कर दे, बट नेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टीरियो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो स्पेशली किसके लिए होगी, नेट और गेट के बच्चों के लिए होगी, जो क्या हम उसमें क्लास में क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड रिएजेंट, मतलब रिएजेंट से रिलेटेड जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, जैसे आपके पास क्रेम्स मॉडल पढ़ते हो, फेल्किन एल मॉडल पढ़ते हो, ठीक है, डेकालिन सिस्टम पढ़ते हो, फ्यूज सिस्टम पढ़ते हो, नॉरबोरेन पढ़ते हो, ठीक है, आपके पास साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हो, इन सभी कंपाउंड्स की अगली क्लास में हमें स्टीरियो देखनी है, हर एक कंपाउंड की हम स्टीरियो चेक करेंगे। ठीक है, कैसे आपको रिएजेंट के अंदर अप्लाई करनी है उनकी स्टीरियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्या हर बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिएजेंट के अंदर, जब स्टीरियो इन्वॉल्व कर देता हर पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेगा और कोई नहीं पढ़ाता ये स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये ध्यान रखना है, वो स्पेशली क्लास में नेट के लिए लगाऊंगा। ठीक है, नेट और गेट के लिए, जिसमें हमें ओनली फॉर क्या पढ़ेंगे, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, किससे, रिलेटेड रिएजेंट, जो मैं पहले बता दिया, क्रेम्स मॉडल की पढ़ेंगे, ठीक है, फेल्किन एल मॉडल की, साइक्लोहेक्सेन की, डेकालिन की, फ्यूज सिस्टम्स की, ठीक है, जो भी ऑक्साइड्स की, नॉरबोरेन की, ब्रिज सिस्टम्स की, इन सब की पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां जो जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे डीयू वाले बच्चे यही सब कुछ ये आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ लीव नहीं करना है, ठीक है, कुछ लीव नहीं करना है भाई, अरे नहीं है भाई एनर्जी ना, ऑर्बिटल सिकन कहाँ है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, बोरोन के पास चार बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो तो हो चुका है, वैकेंट ले चुका है, ओएसी को जोड़ चुका है खुद के साथ है, मतलब कितनी बार वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, उसके पास एक ही था, वो लेके जोड़ चुका है उसके साथ बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड के लिए है ही नहीं वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड रिएजेंट जेम की और डीयू वाले बच्चों के लिए, नेट की भी कुछ जो नॉरबोरेन की पढ़ाऊंगा यहाँ, और आपके पास इफॉक्साइड की पढ़ाऊंगा, दो की इंपॉर्टेंट है, जो जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नेट के से भी, गेट के से भी और डीयू के से भी। ठीक है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं छोड़ दूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड रिएजेंट,
स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड रिएजेंट जो पूछ सकता है, अभी से वो मैं लिखवा रहा हूँ भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वो, ठीक है, जो पूछ सकता है जैम और डीयू के अंदर, वो स्टीरियो पढ़ा रहा हूँ। दो सिस्टम की पूछ सकता है, इफोक्साइड की और दूसरी पूछ सकता है नॉरबोरेन की, ठीक है, वो दोनों पढ़ा रहा हूँ और नहीं पूछेगा। अरे पीएच लगा ले 6 से 8, ठीक है, पीएच पे रुका हुआ है कि NaBH3CN पे ही, इसी पे रुका रहना है, ठीक है, कुछ आगे मत बढ़ना। देखो लिखेंगे भाई एडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड रिएजेंट, सबसे पहले लिखेंगे रिंग ओपनिंग ऑफ इफोक्साइड, सबसे पहला काम लिखेंगे रिंग ओपनिंग ऑफ इफोक्साइड, रिंग ओपनिंग ऑफ इफोक्साइड। देखो रिंग ओपनिंग ऑफ इफोक्साइड की कहानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये मान लो मेरे पास सिस्टम दे रखा है, कोई भी इफोक्साइड ले लिया मैंने, ये आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ये जब भी इफोक्साइड कहीं पर भी आपको नजर आती है तो उसका तीन ही काम कर सकता है, उसके साथ कोई भी रिएजेंट ले रखा हो आपने, उसके साथ तीन ही काम कर सकता है। कौन कौन से काम कर सकता है? सबसे पहला काम, अगर मान लो वो एसिडिक मीडियम में, जैसे मैं एक रिएक्शन ही करवा देता हूँ, MuH in H+ ले रखा है, एसिडिक मीडियम में हो सकता है या तो रिएक्शन इफोक्साइड के कहीं पर भी अगर नजर आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफोक्साइड, तो समझ लेना उसका तीन काम के अलावा चौथा काम है ही नहीं इफोक्साइड का। पहला काम बता रहा हूं क्या, जब आपके पास एसिडिक मीडियम हो, एसिडिक मीडियम। दूसरा काम की बात करता हूं, जब बेसिक मीडियम हो, जैसे आपका MeO-, यहां मैंने लिया बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम हो, ठीक है। तीसरा काम यहां बता रहा हूं, जब आपके पास लुईस एसिड गिवन हो, जैसे MeOH के साथ लुईस एसिड हो, जैसे BF3 दे दिया, लुईस एसिड हो, तो ये तीन काम हो गए। इन्हीं तीन के साथ ही कोई रिएजेंट गिवन मिलेगा, कोई भी रिएजेंट है वो या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम में या फिर लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में होता है तो आप SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, मतलब SN1 के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, तो मतलब जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, जहां कार्बोकेटाइन करेक्टर ज्यादा होंगे, उस तरफ से आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इफोक्साइड जो होती है एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है, वो चाहती है कि मेरा एंगल स्ट्रेन जो है वो किसी तरह रिलीज हो जाए, तो वो रिंग ओपन करना चाहता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस न्यूक्लियोफाइल के पास भी यहां दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आते हैं, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, एक ये ए है, एक ये बी है, तो वो वहां अटैक करेगा, कब, जब एसिडिक मीडियम हो और लुईस एसिड गिवन होता है, तो वो वहां अटैक करता है जहां कार्बोकेटाइनिक करेक्टर ज्यादा होते हैं, मतलब आपका SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा, कब कब, जब एसिडिक मीडियम गिवन हो और जब लुईस एसिड गिवन होता है, तब, जब एसिडिक मीडियम हो और लुईस एसिड गिवन हो तब क्या करेगा, SN1 के अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब जहां कार्बोकेटाइनिक करेक्टर ज्यादा होंगे वहां अटैक करेगा। दूसरी चीज की बात करता हूं, दूसरा आपका आता है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम होगा तो वो वहां अटैक करेगा जहां आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, मतलब SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। इन तीन कंडीशंस के अलावा कभी भी फोर्थ कंडीशन जनरेट नहीं होगी इफोक्साइड के साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, या तो लुईस एसिड के साथ ही रिएक्शन हो रही होगी, कोई लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो आप न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करोगे, जहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा, जहां मोर कार्बोकेटाइनिक करेक्टर होंगे SN1 के अकॉर्डिंग, और बेसिक अगर मीडियम होता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो यहाँ SN1 के अकॉर्डिंग जाएगा तो ये MuH कहां करेगा, जहां मोर केटाइन कार्बोकेटाइनिक करेक्टर होंगे, यहाँ, या फिर लिख लो ये दोनों, तो अगर SN1 होता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, और SN2 होती है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है, जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है जहां कार्बन कम जुड़े हुए हो, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां एल्काइल ग्रुप कम जुड़े हुए हो उसे लेस सब्स्टिट्यूटेड बोला जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब जहां वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहे हैं, तो वो मोर सब्स्टिट्यूट होगा। आप देखो यहां, यहां आपके पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो आपके पास अगर एसिडिक मीडियम होता है तो आपका अटैक कहां होगा, इस सेंटर पे होगा, अगर लुईस एसिड होगा तो भी इस सेंटर पे, क्योंकि ये जो सेंटर होगा ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अगर मेरा बेसिक मीडियम होगा तो वो यहां अटैक कर रहा होगा,
क्योंकि ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और लेस सब्स्टिट्यूट यहाँ कम एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी इधर यहाँ से। तो बताओ अगर मेरे पास एमिनो एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से होगा तो ये रिंग ओपन हो जाएगी। बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, फटाफट बोलो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये यहाँ आपका ये आर ग्रुप था, यहाँ आपका कौन अटैक कर दिया, ओएमई, ये आपका ओएमई जुड़ गया, और यहाँ आपका ओ एच बन जाएगा, ये ओ एच बन जाएगा। बताओ ये खुल गया, रिंग ओपन हो गई, ये बन गया। सेम काम यहाँ पर भी एमयूएच अगर एसिडिक मीडियम है तो भी ये मोर सब्स्टिट्यूट यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से रिंग ओपन कर देगा। बताओ क्या हो जाएगा आपका, ये आर ग्रुप, ये आपका ओ, यहाँ क्या हो जाएगा, ओ एम ई, और ये आपका ओ एच। बताओ ये बन जाएगा। अगर बेसिक मीडियम है तो लेस सब्स्टिट्यूट मतलब कम एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां एल्काइल ग्रुप कम होंगे तो यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां OH बन जाएगा, ये R ग्रुप, और यहां क्या जुड़ जाएगा, OME। क्या बन जाएगा, OME। तो बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताएंगे भाई, क्या ये बात समझ में आई, बताओ सभी मैसेज करेंगे ये बात समझ में आई क्या। तीनों कंडीशन, तीन कंडीशंस के अलावा चौथी कंडीशन नहीं मिलने वाली है, मैं बता दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो इसकी स्टीरियो की बात करता हूं, इसकी अगर स्टीरियो की बात करूं तो आपको पता है जैसे मेरे पास ये आपके पास सिस्टम दे रखा है और इसमें स्टीरियो भी इन्वॉल्व कर दी जाती है, जैसे फॉक्साइड एबोडी प्लेन बना करके दे दिया, यहां CH3 डाल दिया और यहां डाल दिया, तो यहां आपका डाल दिया CH3OH और इसमें एसिडिक मीडियम, चलो इसको हटाते हैं। अब पहले थोड़ा रिएजेंट इन्वॉल्व करते हैं, रिएजेंट में अगर तुम्हें कह दिया जाए तो बताओ रिएजेंट की अगर बात करता हूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके अंदर डाल दिया जाता है। बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, बताओ क्या वो एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। क्या बेसिक मीडियम में यूज करते हैं, या मैं ये कहूँ लुईस एसिड क्या डालते हैं कि उसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, बिल्कुल नहीं डालते, लुईस एसिड भी नहीं डालते हैं। क्या होता है, ना एसिडिक होता है ना लुईस एसिड होता है, तो किसकी तरह वो रिएक्ट करेगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके किसकी तरह रिएक्ट कर रहा होगा, यहाँ बताओ किसकी तरह रिएक्ट करेगा, कि एक ओनली फोर क्या करेगा, यहाँ आपकी तरह एक बेस की तरह तो जा रहा है, एच माइनस की तरह हाइड्राइड जा रहा है अटैक करने, तो वो कहाँ अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूट पे, क्योंकि ना उसके अंदर एसिडिक मीडियम है ना ही लुईस एसिड है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे। अब देखो यहाँ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ले लेता हूँ, चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो ये कहां अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, मतलब इसका जो एलएच बॉन्ड होगा वो एलएच बॉन्ड कहां अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूट, बताओ ए के ऊपर अटैक करेगा, बी के ऊपर, ए के ऊपर CH3 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर है, ये लेस है, तो इसका एलएच बॉन्ड जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूट पे अटैक करेगा। अब देखो इसकी स्टीरियो भी दे दी है, अगर इसकी स्टीरियो दे दी है तो यहां बताओ जैसे मेरे पास ये कार्बन है, ये दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन पे इस तरह से एक इफॉक्साइड रिंग बनी हुई है, मतलब यहाँ से जो बोतल है ये इस तरह से झुकी हुई है, इसके पास इफॉक्साइड बन गई। बताओ सोचो यहाँ ऊपर की तरफ अगर ये दो कार्बन है, इसके ऊपर की तरफ अगर मेरे पास इफॉक्साइड रिंग बना दी जाती है तो सोचो कहाँ ऊपर से ही क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या ऊपर से आ सकता है, आपको भी बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो क्या बन चुका है, इफॉक्साइड रिंग, तो हमेशा इफॉक्साइड की अपोजिट जो नीचे की तरफ से क्या होगा, अटैक होगा, हमेशा कहां से अटैक होगा, नीचे की तरफ से, जिस प्लेन में इफॉक्साइड रिंग है उसके अपोजिट प्लेन से क्या होगा भाई, अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, अटैक होगा इफॉक्साइड रिंग के ऊपर, चाहे वो अबो प्लेन दे रखे तो बिलो से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता है दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते न्यूक्लियोफाइल, जिस साइड में क्या होता है इफॉक्साइड रिंग होता है, तो हमेशा ध्यान रखना उसके अपोजिट प्लेन से अटैक कर रहा हो, तो यहां कहां से अटैक करने आएगा, बिलो द प्लेन, यहां से बॉन्ड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो बताओ यहां से जैसे ही मेरा बॉन्ड ओपन होगा तो यहां क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, जो कौन से प्लेन से आ रहा होगा, बिलो द प्लेन से, बिलो दी प्लेन से, और यहाँ ये OH बताओ जिस साइड में इफॉक्साइड मान लो ऊपर की तरफ है, जैसे ये बोतल है, यहाँ ये बोतल ऊपर की तरफ बन झुकी हुई है, ये इफॉक्साइड बना के ऐसे रखी हुई है, बताओ यहाँ से नीचे की तरफ से किसी ने अटैक किया तो यहाँ ये खुल जाएगी तो ऊपर की तरफ तो जुड़ेगा, यहाँ ये खुलेगी तो ऊपर की तरफ ही तो रहेगा भाई OH, तो इसका मतलब जो OH होगा वो कहाँ जाएगा, अबो दी प्लेन, और आपको पता है कोई भी sp3 कार्बन होता है उसके दो बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं, एक अबो दी प्लेन होता है और एक क्या होता है, बिलो दी प्लेन होता है, तो यहाँ देखो दो बॉन्ड तो ये तो प्लेन में आ गए, ये आपका अबो दी प्लेन हो गया और ये क्या हो जाएगा, बिलो दी प्लेन, यहाँ कौन है, मिथाइल,
तो ये क्या हो गया, बिलो दी प्लेन हो गया। तो बस ये ध्यान रखना, पहली चीज कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, पहली चीज क्या होगा, आपको ये ध्यान रखनी है कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, उसकी स्टीरियो, कि जिस प्लेन के अंदर इफॉक्साइड रिंग रहेगा उसके अपोजिट प्लेन से क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल या कोई भी रिएजेंट होगा उसका अटैक करेगा। मतलब यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिंग ओपनिंग का भी काम करता है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज और एक बात ध्यान रखनी है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन का भी काम करता है। सब्स्टिट्यूशन, आप कहोगे सर ये क्या कह दिया, अभी तक तो आप कह रहे थे कार्बोनिल को रिड्यूस कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है, अब सब्स्टिट्यूशन भी करने लग गया। तो देखो इधर ध्यान दो भाई, जैसे आपके पास कोई ये कंपाउंड दे रखा है और यहां जोड़ देता OTS, यहां OTS जोड़ दिया और यहां आपने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। तो देखो यहां ये जो कीटोन लिखा हुआ है, ये कीटोन जो दिया हुआ है, ये कीटोन तो क्या करेगा, इस कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर, किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर। और साथ में आपको पता है ये OTS जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, और एक अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो यहां से ये LH जो बॉन्ड होगा ये यहाँ SN2 रिएक्शन दे देगा, यहाँ डायरेक्ट अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को घर भेज देगा, कहेगा भाई निकल ले अब तेरा टाइम खत्म हो चुका है। तो ये भी ध्यान करना कि अगर उस सिस्टम के अंदर कोई लिविंग ग्रुप है तो उस लिविंग ग्रुप को भी निकालने का काम करता है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद करो NH3 में से N2 को बाहर भी कौन निकालता था, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एजाइड को NH2 में तो कन्वर्ट करता था, कैसे, वहां N2 लिविंग ग्रुप था, उस N2 को घर भेज देता था। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप दिख रहा है तो लिविंग ग्रुप उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये मत पूछने लग जाना भाई SN2 क्या होती है, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। बस यहां से आपको डायरेक्ट एक वन स्टेप में रिएक्शन करवा देता है, कोई कार्बोकेटायन जनरेट नहीं करवाएगा। जैसे आपके पास ये सिस्टम दे दिया, ये कार्बोनिल है, यहाँ आयोडीन दे दिया लगा हुआ है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, भाई कहोगे क्या बनेगा, आप बिल्कुल देखोगे यहाँ से कार्बोनिल को किस में रिड्यूस कर देगा, OH के अंदर, और इस हैलाइड को एक लिविंग ग्रुप है इसको हटा देगा, यहाँ से अटैक करेगा LH बॉन्ड और इसको हटा करके हाइड्रोजन जोड़ देगा। बताओ क्या ये चीजें समझ में आई क्या, इसके अंदर मतलब जो अदर फंक्शनल ग्रुप अभी तक जो रिड्यूस करे थे उसमें दो चीजें और जोड़ लेना, क्या क्या, एक तो रिंग ओपनिंग ऑफ इफॉक्साइड और दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। आखिर सिस्टम के अंदर लिविंग ग्रुप है तो वहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या कर देता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। फटाफट सभी मैसेज करेंगे, अरसा सर एक बार दोबारा बताओ कि सब्स्टिट्यूट पर क्यों अटैक होगा। देखो सब्स्टिट्यूट पर अटैक इसलिए होगा क्योंकि कार्बोकेटायनिक करैक्टर ज्यादा होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है, एक लिविंग ग्रुप की भी यहाँ चेक की जाती है कि OH का निकलना किस फॉर्म में हो रहा है, O- की फॉर्म में एज ए बाहर निकल रहा है या OH की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ कार्बोकेटायनिक करैक्टर ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ मान लो इस R की जगह CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बताओ CH3 का कुछ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ना, और इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप नहीं है, यहाँ स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनना पड़े, तो जो भी मोर इलेक्ट्रो मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर होता है वहां कार्बोकेटायनिक करैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि वहां उस एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लग जाता है, और जहां इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा प्लस आई मिलेगा तो वहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उससे प्लस आई से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको, ठीक है भाई। जिसका भी बफरिंग हो रहा है उसकी खुद की प्रॉब्लम है, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो या फिर आपका और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो देख लेना है जैसा भी आपका मोबाइल ले रखा आपने, ठीक है। यहां से बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नॉरबोरेन, एक और इसकी स्टीरियो पढ़नी है नॉरबोरेन की, आओगे नॉरबोरेन की स्टीरियो।
देखो नॉर्बोरेन जो होता है, या आपको ब्रिज सिस्टम लिख लो, इसको हटा दो, नॉर्बोरेन की जगह आप ब्रिज सिस्टम भी लिख लो, ठीक है, नॉर्बोरेन लिख लो या ब्रिज सिस्टम। देखो नॉर्बोरेन जो होता है हमारा, वो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं, ये सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर हमें स्टीरियो देखनी है, तो इस सिस्टम के अंदर आपके पास स्टीरियो देखे हुए, तो देखो यहां आपके पास जो ये सेंटर होता है, यहां दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, बोलो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये भी आपके पास यहां पर भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, बोलो यहां पर भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहां पर भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है। जो ये जो चार कार्बन होते हैं, इन चारों कार्बन में जो ऊपर वाला जो हाइड्रोजन होता है भाई, जो ऊपर का हाइड्रोजन होता है उसे बोला जाता है एक्जो, इसे क्या कहा जाता है, एक्जो, एक्जो कार है, यहां क्या बोलेंगे, एक्जो पोजीशन बोला जाता है। और जो नीचे वाला हाइड्रोजन होता है उसको बोला जाता है एंडो, उसको क्या कहा जाता है, एंडो। ऐसे यहां पर भी इस कार्बन और ये दोनों ही कार्बन क्या आइडेंटिकल है, तो ये क्या होगा ऊपर वाला एक्जो, और ये क्या होगा भाई एंडो। ये सबसे पहला तो नाम ही ध्यान रखना है कि एक्जो किसको कहते हैं, एंडो किसको कहते हैं। इस पोजीशन का नाम है आपके पास एक्जो और एंडो, ठीक है। यहां पर भी आपका ये क्या है एक्जो, ये क्या है हाइड्रोजन, एंडो, ये हाइड्रोजन क्या है एक्जो, और ये हाइड्रोजन क्या है, नीचे वाले हाइड्रोजन को बोला जाता है एंडो हाइड्रोजन और ऊपर वाले को क्या कहेंगे एक्जो। सबसे पहले नॉर्बोरेन समझते हैं, नॉर्बोरेन कैसा होता है। देखो नॉर्बोरेन की यहां से बात कहानी समझे तो इसकी नॉर्बोरेन जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है, इसमें मैं नंबरिंग और कर देता हूं भाई, नंबरिंग कर दी, इसको वन कह दिया, इसको टू बोल दिया, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स और इसको सेवन। जो भी लिख रहा है वो पेन को पी रखते, इस चीज को समझो पहले तो, ठीक है। ये मैंने बना दिया, तो नॉर्बोरेन होता है कुछ इस टाइप का, ये नॉर्बोरेन होता है, ये नॉर्बोरेन। देखो यहां आपके पास मैं कौन कौन से कार्बन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं यहां, देखो सबसे पहले तो वो देखो रिप्रेजेंट कौन कौन से, जो आपकी तरफ ये कार्बन है, ये कार्बन है मेरा कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन, ये कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूं जो आपकी तरफ है, ये कार्बन है, ठीक है। और इस थ्री के पीछे कौन है, यहां टू है, इस थ्री के पीछे कौन है, टू है। तो इस टू के ऊपर ये ऊपर की तरफ वाला क्या है आपका एक्जो, और नीचे वाला क्या है एंडो, नीचे वाला क्या है, ये ओपन बुक, यहां आपके पास उल्टी जो बुक है ओपन करके, ये नीचे वाला हाइड्रोजन क्या है एंडो, ऊपर वाला है एक्जो। सेम काम, देखो ये दोनों कार्बन क्या आइडेंटिकल है, बस देखने का नजरिया है, आप सामने से देख रहे हो तो ये फ्रंट पे दिखेगा, अगर इधर से मेरी तरफ से देख रहे हो तो ये कार्बन फ्रंट पे दिखेगा, यहां से अगर सामने देख रहे हो थर्ड कार्बन आपको आगे दिखेगा, पीछे से देखोगे तो सेकंड कार्बन है, दोनों कार्बन आइडेंटिकल, ठीक है, आप खुद देख सकते हो, ये आपका थर्ड नंबर है, ये टू नंबर है। अब बात करते हैं ये आपका फाइव और सिक्स की, तो देखो ये आपका फाइव नंबर है कार्बन, ये आपका कौन सा है कार्बन नंबर फाइव, और जो मेरी तरफ है वो कार्बन नंबर आपका है सिक्स नंबर, आपकी तरफ है वो कार्बन है फाइव, आपकी तरफ है ये कार्बन है कौन सा फाइव नंबर, और जो मेरी तरफ है पीछे की तरफ ये कौन सा है कार्बन नंबर सिक्स। तो कार्बन नंबर जो फाइव है इसका ऊपर वाला हाइड्रोजन एक्जो, नीचे वाला हाइड्रोजन एंडो, इसका ऊपर वाला हाइड्रोजन क्या है आपका यहां एक्जो, नीचे वाला हाइड्रोजन एंडो। और जो ये कार्बन है, ये दो कार्बन, ये कार्बन है आपका यहां कौन सा है, देखो ये एक कार्बन बना दिया मैंने इसको, एक कार्बन, यहां दो कार्बन नहीं है, ये एक कार्बन है, ये दो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये ऊपर वाला ये पूरा एक कार्बन है, कौन सा सेवन नंबर, सेवन नंबर। उसका एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, यहां कोई स्टीरियो नहीं है, एक हाइड्रोजन। अब देखो इनकी स्टीरियो क्यों दी अलग है? क्योंकि जो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, यहां जो हाइड्रोजन है एक्जो में, जैसे कौन सा कार्बन नंबर थ्री की बात कर रहा हूं, ये थ्री था, ये आपका कौन सा था टू था, ये आपका फाइव और ये सिक्स, ये पूरा क्या है सेवन नंबर। जो थ्री नंबर कार्बन है इसका ऊपर की तरफ जो आपका हाइड्रोजन है जिसको मैं एक्जो बोल रहा हूं, तो उसके ऊपर ये एक कार्बन दिख रहा है, उसके बगल में एक ही कार्बन दिख रहा है, बट जो नीचे वाला जो कार्बन हाइड्रोजन है इधर की साइड वाला, इसके बगल में देखो ये आपका कौन कौन से दिख रहे हैं फाइव और सिक्स। मतलब इधर ऊपर वाले की तरफ तो एक ही कार्बन, उसके पड़ोस में कौन सेवन, बट नीचे वाले की तरफ में दो कार्बन आ गए उसके पड़ोस में, कौन आपके पास फाइव और सिक्स।
आप देख रहे हो नीचे वाला होगा तो ये 5 और 6, और ऊपर की तरफ अगर होता है तो आपको ये 7 नंबर दिखता है। तो बताओ एक के बगल में एक कार्बन है, एक के बगल में दो कार्बन है, तो बताओ दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग होगा, मतलब दोनों को आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्या कोई नाम देना पड़ेगा। तो हमने ऊपर वाले को बोल दिया एक्जो, नीचे वाले का नाम दे दिया एंडो, ठीक है। तो ये बताओ ये चीज समझ में आ गई, इसकी 3D स्ट्रक्चर आपको समझ में आई है कि नहीं आई, बताओ ये समझ में आई कि नहीं। अरे अकेश ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नॉरबोरिन क्यों कहते हैं, तेरा नाम अकेश क्यों पड़ा, बता तुझे क्यों कहते हैं अकेश, घर वालों नाम रख दिया बस, ऐसे साइंटिस्ट नाम रख दिया बस भाई, ये चीज थोड़ी पूछ रही, इसका कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है, ठीक है। तेरा नाम अकेश क्यों है भाई, अकेश नाम है, घर वालों ने रख दिया बस, अकेश हो गया, ठीक है, ओके। बताओ समझ में आ गए सभी को, 3D के अंदर आपको पता चल गया 2 या 3 दोनों एक जैसे कार्बन है, ऐसे 6 और 5 एक जैसे, इसे कोई फर्क नहीं है, बताओ समझ में आ गया, ओके। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, देखो यहां आपके पास 3 टाइप के सिस्टम्स आपको नजर आ सकते हैं, जैसे आपके पास ये सिस्टम नजर आ जाएगा, नो ध्यान से समझ लेना है भाई इस चीज को, या तो आपके पास इस टाइप का सिस्टम होगा, या आपके पास इस टाइप का सिस्टम होगा, या आपके पास इस टाइप का सिस्टम होगा, ये 3 टाइप के सिस्टम आपको गिवन होंगे, ठीक है। इन तीनों के टाइप को समझना है, अगर मान लेता हूं कि यहां कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आ जाए, जैसे मैं इसी एग्जांपल को ही लेता हूं कि यहां मैंने क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रख दिया ये, और डबल बॉन्ड हो, और इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दी, इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब देखो यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करवा दी, इसका नाम दे देता हूं 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ध्यान से समझ रहा है, वापस मैं बुक उठा रहा हूं आपके लिए, ठीक है, बुक उठा रहा हूं तो समझना है इस चीज को। देखो यहां कार्बन नंबर 1 है, ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है आपका, ये कार्बन नंबर 1, इस 1 के पीछे है 2, ये देखो 2 है, इसके पीछे 2 है, यहां आपका कौन सा, ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर, मैं ब्रिज हेड जो कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन, इन ब्रिज कार्बन को नहीं दिखा रहा हूं, आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कोई काम के नहीं, इससे नहीं समझा रहा हूं, ये आपका कौन सा है कार्बन नंबर 5, ये इसके पीछे वाला कार्बन कौन सा है कार्बन नंबर 4, ये फ्रंट में कौन सा कार्बन है, तो 1 है और ये इधर 5 है, इसके पीछे कौन सा है 2 है और 4 है, और ये पूरा का पूरा कौन सा कार्बन है 7 नंबर कार्बन है, ये आपका ये कौन सा कार्बन है पूरा पूरा 7 नंबर है। मैंने कहां लगाया है ब्रिज आपके पास कार्बोनिल, कहां लगाया है 1 के पास, जो ये 1 था, यहां कार्बोनिल लगा दिया, कार्बोनिल लगा दिया, अब बताओ कार्बोनिल पे यहां कौन आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALH बॉन्ड आएगा अटैक करने के लिए, ALH बॉन्ड आएगा तो या तो ऊपर की तरफ से आ सकता है, मतलब यहां कार्बोनिल जुड़ा हुआ है जो 1 के ऊपर है, तो यहां से एक तो ऊपर की तरफ आ सकता है, और एक कहां से आ सकता है, नीचे की तरफ से आ सकता है। अगर बताओ नीचे की तरफ से आएगा तो बताओ ये तो दोनों एक जैसे ही है, ये तो बिल्कुल यहां तो बगल में ही तो है, पर ये तो साइड में है, तो नीचे से जब आ रहा होगा तो इन दोनों कार्बन का क्या लगेगा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, इन दोनों कार्बन कौन कौन से की, एक तो 5 और 1 4, एक 5 और 4 की यहां क्या लगेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ऊपर से आता है तो इस 7 नंबर की क्या लगेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, ऊपर की तरफ कौन है 7 नंबर है, नीचे की तरफ ये कौन से है 5 और 4। सोचो कि अगर ऊपर से आ रहा है तो एक ही कार्बन मिल रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस करने के लिए, कौन सा 7 नंबर, और नीचे से आ रहा है तो दो कार्बन मिल रहे हैं कौन कौन से 5 और 4। बताओ तुम ही लोग बताओ कैसे अटैक करना पसंद करेगा, कैसे अटैक करना पसंद करेगा, ऊपर से या नीचे से, बताओ सभी बताओ फटाफट, बताओ ऊपर से अटैक करना पसंद करेगा नीचे से, अरे टॉपिक का नाम रिएजेंट से, नेम रिएजेंट थोड़ी ना है, ठीक है, वो नेम रिएक्शंस होता है, ऊपर से बताओ कहां से अटैक करेगा, बिल्कुल भाई ऊपर से, एक्सो की तरफ से, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर की तरफ से एक ही कार्बन की स्टेरिक एंट्रेंस आती है, बस यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि यहां पर भी स्टीरियो केमिस्ट्री यूज होती है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ALH बॉन्ड यहां कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से, तो OH बताओ ऊपर से कोई आके फोर्स लगा रहा है तो OH कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ, और हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब OH तो आपका कहां चला गया, एंडो में, ये OH एंडो में चला गया, और हाइड्रोजन जो था वो ऊपर आ गया, तो हाइड्रोजन कहां गया, एक्सो में आ गया, और OH कहां गया, एंडो की तरफ आ गया।
बस ये चीज आपको समझानी है। बताओ ये चीज सभी को समझ में आ गई, फटाफट बोलो। अब मैं सेकंड कंपाउंड उठा रहा हूं, देखो अब मैंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, इस कंपाउंड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, यहां सिस्टम में लगा दिया, यहां मैंने लगा दिया, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। तो बताओ यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया, तो अब देखो यहां वापिस इसी को नंबरिंग दे देता हूं, यहां 1 2 3 4 5 ये आपका 6 है, ठीक है, यहां मैं ब्रिज कार्बन की बात नहीं करूंगा। तो देखो यहां आप समझ गए होंगे 1 और 2 के ऊपर कार्बोनिल होता कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसी पोजीशन है 1 और 2 वाली, ऐसे ही 5 और 4 भी एक जैसी है, ऐसे ही 5 और 4 1 2 5 4 एक जैसी है सारी, ठीक है, एक जैसी है चारों की चारों पोजीशन। अब देखो यहां मैंने आगे इतना आपका देखने का नजरिया बदल दिया, मैं अभी तक यहां कार्बोनिल लगा रहा था, अब यहां लगा दिया। बताओ अगर आप इधर से मेरी तरफ से देखोगे तो ये फ्रंट दिखने लग जाएगा, तो बताओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, ठीक है। अब देखो पर यहां मैंने कार्बोनिल लगा दिया है कौन से 2 नंबर पे, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 5 है, ये 4 है, 2 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो ऊपर की तरफ ये कौन सा है आपका 6 नंबर है, ये आपका कौन सा है 6 नंबर है, तो 6 नंबर के साथ और 2 मिथाइल जोड़ दिए मैंने, इसी 6 के साथ क्या किया मैंने 2 मिथाइल और जोड़ दिए यहां एक ऊपर की तरफ ही, और यहां बीच में जो इनके बीच में देखो ये कौन सा था आपका 1 और ये 2 और ये कौन सा था 5 और 4, इनके बीच में तो कहीं कौन सा है 3 और यहां आपके पास 7 है, यहां 7 ये रहा बीच में और 3 ये रहा, अब 3 पे भी जोड़ दिया यहां पीछे की तरफ ऊपर की तरफ, यहां ऊपर की बताओ ये आएगा पीछे की तरफ, तो बताओ इधर से अगर अटैक करने लगेगा तो बताओ कितने कार्बन की स्टेरिक इंटरेंस मिलेगी, एक तो आपका 7 नंबर और 6 नंबर और उसके साथ 2 मिथाइल जो ग्रुप जुड़े हुए, एक इधर निकल रहा है एक इधर जा रहा है इनकी स्टेरिक इंटरेंस, और बताओ नीचे में तो यही 2 कार्बन है कौन से 5 और 4, मतलब आपने क्या किया ऊपर की तरफ तो 1 2 3 कार्बन की स्टेरिक इंटरेंस बढ़ा ली और नीचे की तरफ ये आपके पास 2 ही है और एक और कार्बन जोड़ दिया 3 पे यहां ये CH3 ग्रुप है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या बढ़ गई स्टेरिक इंटरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू नीचे। तो अब यहां LH जो बॉन्ड होगा वो कहां से अटैक करेगा नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से अटैक करेगा और नीचे की तरफ से अटैक करेगा तो बताओ ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा एक्जो में और एंडो में और OH कहां चला जाएगा आपका एक्जो में, तो ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ ये अभी तक जैसे मेरे पास ये लगा दिया, ये आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, बताओ यहां से LH बॉन्ड अटैक करेगा तो देख सकते हो यहां से 1 2 3 3 कार्बन है, यहां 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन यहां 3 कार्बन, 3 कार्बन होंगे तो ऊपर से अटैक नहीं करने जाएगा, कहां से अटैक करेगा भाई नीचे से, क्योंकि नीचे 2 कार्बन की स्टेरिक इंटरेंस है, तो यहां से मतलब ये किसकी तरफ से अटैक करेगा एंडो की तरफ से अटैक करेगा, ये कहां से अटैक करेगा भाई एंडो की तरफ से, मतलब नीचे से तो हाइड्रोजन और ऊपर क्या जुड़ रहा होगा OH और यहां 2 मिथाइल ग्रुप। बताओ ये स्टीरियो समझ गए क्या, ऐसे ही नेट में जेम में तो अभी तक इसके स्टीरियो से नहीं क्वेश्चन पूछा है, नेट में 2 बार पूछ चुका है 2-3 बार, तो यहां से 2 बार क्या क्वेश्चन पूछा था, एक बार आपके पास ये सिस्टम लगा के दे रखा था, यहां डबल बॉन्ड दे रखा था और यहां आपके पास एस्टर ग्रुप दे रखा था OET और कहा था NaBH4 डाल दिया, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा नेट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताओ क्या होगा यहां, आपको पता है एस्टर को तो NaBH4 रिड्यूस ही नहीं करता है, किसको रिड्यूस करता है कीटोन को, अब कीटोन में भी स्टीरियो है तो कीटोन का जो BH इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा वो अटैक करने जाएगा कहां से, ऊपर तो देखो 3 कार्बन नीचे आपका 2 ही कार्बन, ये अलग से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यह तो ऊपर होगा नीचे बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसकी कोई स्टेरिक इंटरेंस नहीं लगेगी, इन दोनों की लगेगी यहां, तो यहां से आपका यहां अटैक करेगा नीचे से, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा यहां कौन आएगा ऊपर की तरफ, तो ये OH तो कहां चला गया एक्जो में और OH कहां जाएगा एंडो में और एस्टर आपका AZTG रह जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ ये बात समझ गई क्या, बताओ भाई सभी को पता चल गई ये बात, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस फटाफट बोलेंगे, बिल्कुल सभी का ठीक है, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यही क्लास रोक रहा हूं भाई मैं, ठीक है
तो यहाँ दोनों की स्टीरिक डील सिस्टम की या आपके पास इफोक्साइड रिंग ओपनिंग कैसे होती है, इन दोनों की बात कर ली है मैंने। अब कोई भी रिएजेंट हो जो कार्बोनिल को रिड्यूस करता है, बताओ यहाँ क्या ये इस ब्रिज सिस्टम का क्या पार्ट है? तो यहाँ इसकी कोई स्टीरियो नहीं है। मान लो इसी में अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूँ इस सिस्टम के अंदर, यहाँ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ठीक है, तो ये भी रिड्यूस होगा। ये अगर मेरे पास मान लेता हूं ये किसकी तरफ है, एक्जो की तरफ, एक्जो में होगा तो OH, यहां OH जो बनेगा वो एक्जो में बनेगा, अगर ये एंडो में होगा तो एंडो की तरफ बना देंगे, ठीक है, वो ये एस्टर पे डिपेंड करेगा, एस्टर एक्जो में है एंडो में है। तो यहां मैंने क्या माना, एक्जो में दे रखा है तो एक्जो की तरफ से ही रिड्यूस होगा, एक्जो में ही अल्कोहल बन जाएगा, पर ये डिपेंड करेगा ये कहां से अटैक करेगा, नीचे की तरफ से। तो यहां बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे देता है, तो यहाँ ऊपर की तरफ, तो देखो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही OH, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, अगर ये एस्टर नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ बना देते क्योंकि रिड्यूस तो होगा ही। अब ये यहाँ कहां से अटैक करेगा, नीचे की तरफ से, तो ये हाइड्रोजन एंडो की तरफ और OH एक्जो की तरफ, ठीक है। तो फटाफट बताओ भाई, समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, एस्टर का नहीं होगा, एस्टर साइड में है, दूर है, ये इस कैविटी का स्टेरिक इंट्रेंस लगता है। देखो यहाँ बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है, इस कैविटी का स्टेरिक इंट्रेंस लगता है, ये जो कैविटी है ना, तो यहाँ नीचे की तरफ से आता है तो जो पूरी कैविटी होती है इस कैविटी का स्टेरिक इंट्रेंस लगता है इसके साइड में। अब देखो यहाँ कार्बोनिल आपका, ठीक है, ये कार्बोनिल इसके इसके बगल में कहीं यहाँ है, तो बताओ अटैक तो यहाँ हो रहा है, इसके बगल में यही तो होगा, इसकी तरफ ही तो है, ऐसे बाहर निकला होगा तो इसकी कोई स्टेरिक इंट्रेंस नहीं लगेगी, ठीक है। अरे एक ही सी एस थ्री होगा तो भी हो जाए, तो भी अटैक हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास सी एस थ्री बगल में है या लेफ्ट साइड में, राइट में या लेफ्ट में, बताता हूं अभी, ठीक है, अभी से ओके। मैं देखो रिएक्शन मैकेनिज्म मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब मेरा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख ही पा रहे हो कितने सारे टॉपिक्स मुझे मिले हुए हैं, तो वो पहले कंप्लीट होंगे तभी तो होगा, सभी बच्चों में टॉपिक्स कंप्लीट होगा तभी कर पाऊंगा, क्योंकि रिएजेंट बहुत बड़ा टॉपिक होता है, रिएजेंट पेरिसाइक्लिक दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज सीख लो इसी में, यहां देखो ये चीज दे रखी है, जैसे आपके पास ये दे रखा है ये सी एस थ्री, यहां कार्बोनिल दे रखा है, यहां जैसे NaBH4 डाल दिया, ठीक है, और एक आपके पास एक कार्बन का भी देख लो भाई, जिसने नहीं देखा है वो इसकी भी बात कर देता हूँ भाई, बोल दिया है तो बता ही देता हूँ, ये लो सेम कहानी, ठीक है। अब तो ठीक है, अब देखो यहां से NaBH4 है, NaBH4 का ये जो CH3 है इसकी भी पोजीशन बता देता हूँ, देखो कैसे है, जैसे ये अब कार्बन है, इसको मैं यहां बोल देता हूँ आपका सेवन नंबर कार्बन है, यहां पर भी सेवन नंबर, तो सेवन नंबर कार्बन कहां आ रहा था बताओ, ब्रिज का कार्बन बताओ, ये कार्बन था सेवन नंबर, ये कार्बन था बताओ सेवन नंबर, यही तो कार्बन था, तो इसमें जो आपके पास जो सब्सटेंट दो जुड़े हुए CH3OH, अगर ये एक साइड में कार्बोनिल बताओ यहां था, एक बार मैंने कार्बोनिल की तरफ CH3 यहां झुका दिया और एक बार CH3 उधर दे दिया, ठीक है, यही काम किया मैंने, सोचो कार्बोनिल यहां है, CH3 इसके जस्ट ऊपर आकर अटक गया है, यहां यही तो आएगा इसके ऊपर की तरफ, तो इधर तो निकले होंगे दोनों, एक हाइड्रोजन इधर था एक हाइड्रोजन इधर था, हाइड्रोजन की स्टेरिक इंट्रेंस थी नहीं, तो यहां जैसे ही बल्की ग्रुप लगाया आपने CH3, तो CH3 कार्बोनिल के ऊपर की, CH3 कार्बोनिल की तरफ आ गया, तो बताओ कार्बोनिल की ऊपर की साइड को ब्लॉक कर लिया तो नीचे से अटैक हो जाएगा, बट अगर CH3 इधर हो गया तो ये ओनली इसी की स्टेरिक इंट्रेंस लगेगी, तो यहीं से अटैक हो जाएगा ऊपर से, मतलब अगर ये CH3 कार्बोनिल की तरफ से या कोई भी एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल की तरफ अगर होता है तो यहां अटैक कहां होगा, यहां, क्योंकि इसकी स्टेरिक इंट्रेंस लगेगी, तो यहां से रिंग ओपन हो जाएगी, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां से आपका ये CH3 इधर हो गया, ये हाइड्रोजन इधर हो गया, तो OH आपका ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन नीचे से, बट अगर इसका CH3 दूसरी तरफ हो जाए अपोजिट में, कार्बोनिल इधर है CH3 उसके अपोजिट है, तो बताओ जब CH3 इधर चला गया, सोचो कि ये सेवन नंबर कार्बन है, कार्बोनिल आपका यहां है, CH3 इधर लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है,
तो सोचो बताओ क्या इस सीओ के इस कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ये CH3 बताओ क्या स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा नहीं लगाएगा, तो इसी की एक ही कार्बन की लगाएगा, नीचे की तरफ दो कार्बन की है तो बताओ कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। तो यहां जो BH होगा वो कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी नहीं, CH3 उसके अपोजिट में है, तो यहां बस इस कार्बन की स्टेरिक लगेगी, इसकी दो कार्बन नीचे की तरफ से आएगा तो दो कार्बन की लगेगी, ऊपर से आएगा तो एक कार्बन की, तो यहां ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ऊपर से होगा तो हाइड्रोजन, ये आपका OH। ठीक है, बताओ आ गया सभी समझ में? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास नेट गेट की रिएजेंट की होगी, ठीक है, जब भी होगी क्लास रिएजेंट की तो वो नेट गेट की जो उसकी स्टीरियो से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।